अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं थिंकर्स फोरम के ज़ेर इंतज़ाम अपनी 48वीं नशिस्त में आप सबको शामिल कहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए इस महफिल को सजाया है वो मकसद पूरा हो। सबसे पहले मैं सदाती कमाल के लिए सदाती के माल से पहले जो है हम तलावत कुरान पाक के लिए तलावत देते हैं जरा और इस्लाम भाई को दुआएं और आपके तलावत कुरान पाक शाह को मैं
करेंगे मेरी आमाबरी आंसू करेंगे मैं उनसे दीदाए नमना मेरी हाइफ अगर पूछी उन्होंने मेरी हाइफ अगर पूछी उन्होंने मैं इस तहकाम में अर्ज पाक लूंगा पाक लूंगा हजूर आएंगे जब मेरी लहद में हजूर आएंगे जब मेरी लहद में जमीन से अफलाक लूंगा जमीन से कीमते अफलाक लूंगा मिली जागीर अगर जन्नत में कोई मैं उनसे आखिरी दम तक मुजफ्फर मैं उनसे आखिरी दम तक मुजफ्फर बसीरत आगही इरफान लूंगा सबसे कीमती पोशाक लूंगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम जमाए बजने हदायत पे लाखों सलाम गरीबों के आका बेहद दरूद हम फकीरों की सरबत के लाखों सलाम सफा जाने जिससे तारी
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया और उस नजर से देखें, उस रवैये से मुआशरे को डील करें जो रहमतुल आलमीन का रवैया था कि जिनकी अगर कुछ टाइम दरख्त के साथ गुजरा है तो वो भी रोता है कि रहमतुल आलमीन का उसे उसकी मुंतजर है उसका। या चरिंद परिंद और दरिंदों की मिसालें भी ज़ाहिर स्कॉलर्स बताते हैं। बाकी यह कि ये चीज़ें हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सबको अपने अंदर रोशनी अलग अलग तौफीक दे पैदा करने की और अपनी जिंदगियों को हम लोग सिर्फ उसी तरह समझे जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, जिस तरह रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। पर मेहमान हमारे तशरीफ ला चुके हैं, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो तशरीफ आए। मुख्तरम डॉक्टर लियाकत साहब, अगर आप मुनासिब तो वही बैठ कर लीजिए। कायनात के निज़ाम में एक लम्हा के लिए गौर फिक्र करता है तो आबिद की 80 साल की इबादत से वो लम्हा उसका ज़्यादा जो है वो दर्जा रखता है। ज़ाहिर है कि जब एक साइंसदान और कायनात के निज़ाम में गौर फिक्र करने वाला एक स्कॉलर जब गौर फिक्र करता है तो उससे फिर इंसानियत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। मसलन जिसने एनेस्थीसिया इजाद किया, जिसने टी बी का इलाज दरियाफ्त किया, ज़ाहिर है कि उसका एक लम्हा जो था गौर फिक्र का वो एक आबिद की 80 साल की इबादत से बेहतर है कि एक आबिद जब इबादत करता है तो वो सिर्फ अपनी बख्शिश के लिए और अपने तस्किए नफ्स के लिए इबादत करता है। लेकिन जब एक साइंटिस्ट या एक रिसर्च स्कॉलर जब वो कायनात के निज़ाम में गौर फिक्र करता है तो उससे सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उससे करोड़ों इंसानों को फ़ायदा पहुँचता है। जहाँ तक कि ईसाइत का तल्लक है, ईसाइत में साइंस को अलहदा समझा गया बल्कि इसे मज़हब के मुनाफी समझा गया। इसी जज्बे के पेश नज़र सन 414 में सिकंदरिया में 7 लाख किताबों को नज़र आतिश कर दिया गया। बाबा साइंस रॉजर बेकर को 24 साल की सजा मिली। गीडीव्यू जो माहिर फलकियात था उसे उम्र कैद की सजा मिली और इसी तरह माहिर फलकियात कोपरनिकस को भी
مشکل آپ کا سامنا کرنا پڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو باب العلم میں ہے اور ترمذی شریف میں ہے کہ کلمۃ الحکمت زالت المؤمن فواجد واجدہا فہو حق بہا, کہ حکمت یا دانائی گم شدہ میراث ہے, تو اسے جہاں چاہے جہاں تجھے یہ ملے تو اسے حاصل کر لے. اسی جذبے کے پیش نظر اسلام میں راضی بھی پیدا ہوئے, ابن رشد بھی پیدا ہوئے, خوارزمی بھی پیدا ہوئے, سرکسی بھی پیدا ہوئے, البیرونی بھی پیدا ہوئے, ہندی بھی پیدا ہوئے, یعقوبی بھی پیدا ہوئے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمانوں نے مطالعہ کائنات اور سائنس میں ریسرچ کو چھوڑ دیا اور آج ان کی تہذیب غالب نہیں, آج مغرب کی تہذیب غالب ہے. آپ خود اندازہ فرمائیں کہ دنیا میں بعض مادے یعنی سبسٹنس کتنے قیمتی ہیں. میں صرف ایک گرام کا ذکر کروں گا اور ایک گرام کتنا ہلکا ہوتا ہے وزن میں. اینٹی میٹر ایک ایسا مادہ ہے جو خلائی جتنے سیٹلائٹ ہیں بھیجے جاتے ہیں ان میں یہ استعمال ہوتا ہے. ایک گرام کی قیمت جو ہے وہ 100 خرب ڈالر ہے. آپ اس سے خود اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام میں جو انہوں نے غور و فکر کیا تو پھر وہ کس قدر عروج پر پہنچے. اسی طرح ایک مادہ ہے جسے کیلیفورنیم 252 کہا جاتا ہے. یہ پٹرولیم کی تلاش میں یہ مادہ استعمال ہوتا ہے اور ایک اونس کی قیمت جو ہے وہ 27 ملین ڈالر ہے. ابن حیثم وہ ماہر فلکیات تھے جنہوں نے ایسٹرانومی پر فلکیات پر 65 کتابیں تحریر کیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر المونیم استعمال کی جائے تو انسان اڑ بھی سکتا ہے. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دسویں صدی میں عباس بن فرناس نے ایک گلائیڈر یا ایک جہاز بنایا اور وہ اپنے ہی کھیت میں اس کی کریش لینڈنگ ہوئی اور اس کی شہادت ہوئی. اس کی دم نہیں بنا سکا تھا, یہ لینڈنگ دم کے ذریعے سے ہوتی ہے. یہ دسویں صدی کی ایجاد ہے جبکہ یورپینز نے ہوائی جہاز کی ایجاد کو گلبر برادرز کے نام سے غلط طور پر منسوخ کر دیا. آپ کو یاد ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کے ذریعے سے پیشین گوئی فرمائی تھی اور مصر والوں کو بتایا تھا کہ قحط آنے والا ہے. تو پھر پوچھا گیا کہ کس طرح قحط کا مقابلہ کیا جائے, تو پھر اس کی ٹیکنیک سورت یوسف کی آیت نمبر 47 میں ہے کہ اگر گندم کو اس طرح اگر محفوظ کیا جائے تو گندم محفوظ رہے گی. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زراعت کے بابا یعنی فادر آف ایگریکلچر ابن العوام نے گندم کو 10 سال تک محفوظ رکھا اور سورت یوسف کی آیت نمبر 47 میں جو ٹیکنیک ہے کہ گندم خوشوں میں ہی رہے, تو اس ٹیکنیک کو اسپین میں استعمال کیا گیا اور وہاں کے جو ایگرانومسٹ اور ایگریکلچر سے متعلقہ جو ماہرین تھے انہوں نے گندم کو 100 سال تک محفوظ رکھا اور وہ کھانے کے استعمال تھی اور وہ کھانے کے قابل تھی. شرکاء محترم, آج کا یہ موضوع اسے میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا, کائنات کبریٰ اور کائنات صغریٰ. یہ تمام پھیلی ہوئی کائنات کائنات کبریٰ ہے اور تخلیق کے عرض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل فیکون, کہ میں نے فرما دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گئی یعنی بن گئی. اسے اسٹرانومی میں بگ بینگ تھیری کہتے ہیں اور آج سے 10 یا 20 ملین سال پہلے اس کائنات کی تخلیق ہوئی تھی. ہٹچنسن انسائیکلوپیڈیا آف سائنس کے پیج نمبر 87 پر ایک تھیری ہے جس کے بارے میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ سائنٹسٹ ہیو کیلکولیٹڈ دیٹ ایکویلنٹ ٹو 1 ملین آف اے سیکنڈ آفٹر دی بگ بینگ دی یونیورس واز سائز آف اے پی اینڈ دی ٹیمپریچر واز 10 بلین سینٹری گریڈ. یعنی ایک سیکنڈ کو اگر آپ 10 لاکھ پر تقسیم کریں
और जो फिगर आएगा उसे दोबारा आप मिलियन फिर मिलियन फिर मिलियन फिर मिलियन फिर मिलियन यानी एक सेकंड को अगर आप छः दफ़े एक एक मिलियन पर तकसीम करें और जो अरसा ये जो लम्हा होगा उसमें कायनात में कायनात जो है वह वजूद में आएगा और इसका ये मफहूम है कि कुल फिर कुल तो हम लजी खालक समात वलदा फी सित्तत अय्याम वकान अरशुद अल्लाह सूरह हुद की आयत मुबारक नंबर 7 में है इफाक में है कि अल्लाह ताला की ज़ात वो ज़ात है जिसने आसमानों को पैदा किया और ज़मीनों को पैदा किया फी सित्तत अय्याम यानी 6 दिनों में यानी 6 जियोलॉजिकल स्केल्स में पैदा किया वकान अरशुद अल्लाह अल्लाह ताला का अर्श मुबारक जो है वो पानी का मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि वो कौन सी स्टेजेस थी लेकिन आखिरी स्टेज जो है वो की और जी किया है ये 350 मिलियन साल पहले था जब हजरत इंसान पैदा हुआ तख्लीक आदम का जिक्र सूरह बकरा की आयात मुबारक 30-39 में है बैफून ने और डार्विन ने जो नज़रियात पैदा किए बैफून ने ये कहा था कि जिस तरह एक जौहर में खुद ब खुद कीड़े पैदा हो जाते हैं तो इंसान खुद ब खुद पैदा हुआ था डार्विन ने ये कहा कि इंसान जो है वो बंदर की और गोरिल्ला की औलाद है मसलन उन्होंने ये कहा कि जनजीपैथिकस जितने भी गोरिल्लाज हैं वो हमारे जदे अमजद थे लेकिन चंद साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में इंसान के वाई क्रोमोसोम पर काम हुआ और उन्होंने ये साबित किया कि एक गोरिल्ला का डीएनए कोड बिल्कुल मुख्तलिफ है और एक इंसान का डीएनए कोड मुख्तलिफ है आज से 20 और 25 लाख साल पहले की जो खोपड़ियाँ मिली उसके डीएनए कोड और आज के इंसान के डीएनए कोड की मुताबकत की गई तो वही थी जबकि गोरिल्ला का डीएनए कोड बिल्कुल मुख्तलिफ है लेकिन इतना अर्ज करूँगा कि जब मैंने चंद साल पहले इस मौजू पर रिसर्च की और मैंने मुख्तलिफ गोरिल्लास के फ़ोटो देखे मसलन ज़ेंजिपैथिकस की आस्ट्रलोपिथेकस तो वो इस तरह लगते थे कि जैसे वो जंगली इंसान है और मैं ये अर्ज करूँगा कि सिर्फ गोरिल्ला वो वाहिद मखलूक है कि जिससे एक औरत को कंसेप्शन यानी हमल हो सकता है मर्द के अलावा ये वाहिद मखलूक है यानी इस हद तक इसका डीएनए कोड यानी मिलता जुलता है पेडियाट्रिक्स के प्रोफेसर है काजी याकूब साहब तो चंद साल पहले मैंने उनका इंटरव्यू लिया इसी मौजू के बारे में और उनसे मैंने पूछा कि क्या ये पॉसिबल है तो उन्होंने फरमाया कि हाँ ये पॉसिबल है और इस तरह जो कंसेप्शन होती है और जो बच्चा पैदा होता है तो उसको मेडिकल की इस्तेमाल में ह्यूमन निड कहा जाता है और वो बच्चा वहाँ इस तरह करके बोलता है जिस तरह डिसेबल्ड बच्चे बोलते हैं लेकिन वो मुकम्मल इंसान होता है मुकम्मल बच्चा होता है लिहाजा अक्सर साइंसदानों और से अहले इल्म और अहले फिक्र इस मौजू पर आकर बहक गए और उन्होंने डार्विन के नज़रिए की तारीफ की तालिबिल्मी के ज़माने में मैंने एक नावल पढ़ा था एक खातून कहती है कि यूरोप में वो कहीं सफ़र कर रही थी तो किसी गोरिल्ले ने उसे पकड़ लिया और किसी गार में उसे बंद कर लिया और इस तरह उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी कई साल तक रही और वो यूरोपियन खातून अपने उस नावल में कहती है उस नावल का नाम भी भूल चुका हूँ और उस यूरोपियन नावल निगार खातून का नाम भी भूल चुका हूँ लेकिन वो कहती है कि वो मुझसे बड़ी हमदर्दी करता था नारियल तोड़कर उसमें मेरे लिए पानी लाता था फल लाता था बड़ा मेरा ख्याल रखता था लेकिन मैं तंग थी क्योंकि आखिरकार वो दरिंदा था फिर वो लिखती है कि एक दिन गार के दिहाने पर या उसके मुंह पर जो वो पत्थर रखता था वो पत्थर ठीक तरह ना रख सका
उसमें कुछ गैप रह गया और मैं वहाँ से फरार हो गई और आज मैं ये नावल लिख रही हूँ। और उसके अपने तजर्बात बयान किए जो उसने कई साल उस दरिंदे के साथ गुजारे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैं आपका कि नाम यानी मिस्र का जो ज़माना है वो मोरखीन के मुताबिक 5000 साल कब्ल मसीह का है। जहाँ तक के कायनात कुबरा का ताल्लुक है, सूरत नबा की आयत मुबारक नंबर 12 और 13 में है, तो बनैना फाकुकम सबर शिरादा व जानला सिराज बहाजा, कि हमने तुम्हारे ऊपर इस ज़मीन के ऊपर 7 चुनाइयाँ हमने चुन ली हैं और हमने सूरज को एक चराग बनाया है। अगर आप इन 7 लेयर्स को अगर आप देखें तो उससे मुराद ट्रोपोस्फीयर है, जो कुरा आप से लेकर यानी ज़मीन से लेकर 6 से 80 किलोमीटर तक है। फिर स्ट्रेटोस्फीयर है जो 50 किलोमीटर तक है। फिर मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर और आखिरी मैग्नेटोस्फीयर। ये इतनी मजबूत तह है कि रोज़ाना 10 खरब यानी 10 ट्रिलियन शहाबे साकिब इस ज़मीन पर गिरते हैं, लेकिन फिजा में ही वो भस्म हो जाते हैं, फिजाई में ही वो रगड़ की वजह से जल जाते हैं या इस लेयर की वजह से, मजबूत सबल शिदाजन की वजह से ये जो 6 कुरे हैं इतनी मजबूती है कि इनमें वो दाखिल नहीं हो सकते और वो ज़ाहिर हो जाते हैं। जहाँ तक कि कायनात कुबरा यानी वसी कायनात का ताल्लुक है, तो एक नूरी साल 95 खरब किलोमीटर है। हमारी करीब तरीन कहकशान 22 लाख नूरी साल है। अगर आप 95 ट्रिलियन को यानी 95 खरब को 22 लाख के साथ अगर आप ज़रब दें तो आप खुद अंदाज़ा फरमाएं कि वो कितनी मुदत बनेगी और वो कितना फासला बनेगा। तो बड़ी तरीन कहकशान 12 अरब नूरी साल दूर है। हमारी ज़मीन अपनी कहकशान के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है और ये चक्कर 200 मिलियन साल में पूरा होता है। जहाँ तक के चाँद का ताल्लुक है, ये तो हमारा बड़ा करीबी हमसाया है, 20 लाख 40 हज़ार किलोमीटर दूर है। यहाँ पर 1 सेकंड से कम लम्हा में रोशनी पहुँच जाती है। मुश्तरी का अगर आप मुताला करें तो इतना बड़ा सियारा है कि हमारी 1400 ज़मीनें उसमें समा सकती हैं। जाशिया की आयत मुबारक नंबर 3 में है कि बेशक आसमानों में और ज़मीन में मोमिनों के लिए निशानियां हैं। अलेक्जेंडर फ्राइड में एक रशियन साइंसदान है, उन्होंने स्टडी स्टेट थ्योरी दी। वो कहते हैं कि अगर एक सितारा ये सियारा ये है मसलन ए और ये सियारा बी और इनका आपस में फासला जो है 1000 किलोमीटर का है, तो वो इस कानून के तहत और इस थ्योरी के तहत 1000 किलोमीटर और ज़्यादा फैल जाएंगे और इसी तरह फैलते चले जाएंगे। इससे आप खुद अंदाज़ा फरमाएं कि जब से ये कायनात बनी, फैलाव का ये अमल जारी और सारी है, तो कायनात कितनी बेकरार है। यानी ऐसी कायनात है कि जिसको कोई किनारा नहीं। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 47 में है, वस्सलाम बनैनाहा बेअयदीन, कि आसमान को हमने हाथों से बनाया और यकीनन हम कुशादगी पैदा करने वाले हैं। यानी एक्सपेंड कर रही है, कुशादा हो रही है दिन ब दिन हर लम्हा ये कायनात। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस वो ज़ात थी कि मेराज शरीफ पर आप तशरीफ ले गए 27 रजब यानी 8 मार्च 620 साल में, जिसका जिक्र सूरत इसराइल की आयत नंबर 1 में है कि अभी तक वो कुंडा हिल रहा था और वज़ू का पानी गर्म था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात करवा के वापस आ गए। यानी फासले को किस तरह समेट दिया गया। शराकाए मतलब मैं कायनात सुबरा के बारे में कुछ अर्ज़ करूँगा। यानी ये छोटी कायनात
قرآن حکیم فرماتا ہے کہ نہ صرف اس بڑی کائنات پر غور و فکر کر بلکہ تو چھوٹی کائنات پر بھی غور و فکر کر تو پھر لفظ آیات للموقنین وفی انفسکم ما فلا تبصرون سورہ زاریات کی آیت مبارکہ نمبر 20 اور 21 میں ہے اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے اور تمہارے نفس کے اندر تمہارے جسم کے اندر نشانیاں ہیں افلا تبصرون Why don't you ponder over? آپ کیوں نہیں غور و فکر کرتے آپ کو کیا ہو چکا ہے آپ نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں آپ کیوں نہیں غور و فکر کرتے افلا تبصرون اگر ہم اس کائنات صغرا میں غور و فکر کریں اس یونیورس کے مینیچر میں اگر ہم غور و فکر کریں تو دماغ میں 100 کروڑ یعنی 100 کروڑ عصبی خانے ہیں نرو سیلز ہیں زبان 3000 قسم کے ذائقے چکھ سکتی ہے کان میں 1 لاکھ سماعتی خانے ہیں آنکھ میں آپٹک نروز ہیں یعنی رگے ہیں جو 20 لاکھ رگے ہیں یعنی ایک آنکھ میں 10 لاکھ دوسری آنکھ میں 10 لاکھ یعنی 20 لاکھ صرف آنکھوں میں رگے ہیں اور اسی طرح آنکھ جو امیج لیتی ہے تصویر لیتی ہے اور جو ذہن کو بھیجتی ہے اور یہ جو کیمرے ہیں یہ 13 کروڑ ہیں انہیں 13 کروڑ لائٹ ریسیپٹرز کہا جاتا ہے ایک انسانی ناک 50,000 قسم کی خوشبو سونگ سکتا ہے اور اسی طرح انسان کی جسم میں جو رگے ہیں وہ 90,000 کلومیٹر ہیں اناٹمی نے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے کہ ایک انسان کے جتنے بھی ٹیشوز ہیں اس کی رگیں ہیں اس کی وینز ہیں اگر ان کو اکٹھا کر دیا جائے جوڑ دیا جائے تو ایک انسان کی رگوں کی لمبائی اتنی ہے کہ زمین کے ارد گرد ایک انسان کی رگوں اور ریشوں کو 3 دفعے لپیٹا جا سکتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اتنی عظیم ہے اور پھر انسان کا دل اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اعلیٰ اطفل جسد المضغ اذا صالحت صالح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب کہ خبردار تیرے جسم میں ایک لوتھا ہے اگر وہ صحیح ہوا تو تمام جسم صحیح ہوا اور اگر وہ تاریخ ہوا تو تیرا تمام جسم تاریخ ہوا خبردار وہ دل ہے آج کی میڈیکل سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ دماغ سب کچھ ہے لیکن احادیث مبارکہ اور قرآن حکیم کی روشنی میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ تو صرف ایک سکرین ہے اصل جلوہ گاہ جو ہے انسان کی اللہ تعالیٰ کے نور کی جلوہ گاہ وہ انسان کا دل ہے اور دل اس میں کتنی مضبوطی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ یہ 90,000 کلومیٹر وینز اور ٹیشوز کو سیراب کرتی ہے دنیا میں آج تک کوئی ایسا ٹیوب ویل نہیں ایجاد ہوا جو 90,000 کلومیٹر جس کی تھرسٹ ہو کہ وہ 90,000 کلومیٹر تک علاقے کو پائپ کے ذریعے سے سیراب کرے اور پھر اس گندلے پانی کو شفاف کر کے دوبارہ لائے اور یہ ہے جو ہارٹ کرتا ہے کہ پورے جسم کو وہ سیراب کرتا ہے اور وہ سیراب کرتا ہے تو جتنے بھی ٹیشوز ہیں تاکہ بال ہیں اس کے اندر بھی ٹیشوز ہیں ان کو بھی سیراب کرتا ہے یہ سیراب ہونے کا عمل جو ہے وہ 90,000 کلومیٹر کا ہے یہ سفر جو جہاں تک یہ دل اس کو پہنچاتا ہے اور پھر صاف آکسیجن کے ذریعے اس سے پھر وہ باہر لاتا ہے اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے میں 1993 سے 1997 تک سول سروسز اکیڈمی والٹن میں اسلامیات پڑھاتا رہا ڈیپوٹیشن پر رہا وہ اکیڈمی جہاں یاسین طاہر صاحب نے بھی پروبیشنری آفیسر اپنی سروس کا آغاز کیا تھا میں سینئر ساتھی ہونے کی حیثیت سے وہاں ایک پروبیشنری آفیسر سول سروس کا ایک انڈر ٹریننگ آفیسر وہ جینیٹک انجینئر تھا تو میں نے اسے ایک اسائنمنٹ دی
मैंने कहा कि ये यूरोप की तमाम किताबें जो है चीदा चीदा उनके एक्सट्रैक्ट मैंने दिए तो मेडिसिन की किताबें थी कि इंसान के जिस्म में जो एक सेल होता है खुलिया एक होता है उसके अंदर डीएनए कोड होता है और इसकी लंबाई इतने सेंटीमीटर है। तो आप मुझे ये असाइनमेंट बना कर दें कि इंसान के जिस्म में ये जो डीएनए कोड है इसकी लंबाई कितनी है। राक्षस ने काम किया वो असाइनमेंट बड़ी मदद तक मेरे संभाल के रखी गुम हो गई है लेकिन शुक्र है कि वो फिगर मेरे पास महफूज है मैंने डायरी में नोट किया था। एक इंसान के जिस्म में डीएनए कोड की लंबाई 16,40,00,000,000 किलोमीटर है। दिल दरिया समंदर और डूंगा कौन दिला भी जाने यानी इतने तो समंदर भी गहरे नहीं होते जितना एक इंसान का दिल है। दिल दरिया समंदर और डूंगा कौन दिला भी जाने। मुझे याद है उन दिनों जब प्रोफेसर दलजवाब शेख साहब को मैंने दावत दी थी सिविल सर्विस अकेडमी में अपने लेक्चर के दौरान एक हदीस कोट की थी कि जब फरिश्ता माँ के पेट में बच्चे में रूह डालने लगता है तो फिर उसे जद अमजद से यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उसके वालिद ग्रामीण तक की तस्वीर दिखाई जाती है और ये यकीन ये तस्वीर जो है वो डीएनए कोड है और उसी में से फिर फरिश्ता टिक करता है कि इसकी आवाज़ बाप पे होगी रुखसार इस तरह होगा आंखें इस तरह होगी तो वो टिक करता है और इसी तरह के इंसान जो है वो उसकी तख्लीक कामल जो है वो मुकम्मल होता है। तो लिहाजा ये रिसर्च उस तालिब इल्म ने की उस ऑफिसर ने की कि डीएनए कोड की लंबाई 16,40,00,000,000 किलोमीटर है। चार साल पहले प्रोफेसर लेस्ली ओर्गल जो कैलिफोर्निया के प्रोफेसर हैं उन्होंने लिखा है कि एक इंसानी जिस्म में अगर डीएनए कोड की मैं तफसील को लिखना शुरू कर दूं तो मुझे 900 इंसाइक्लोपीडियाज की ज़रूरत पड़ेगी यानी इसमें अल्लाह ताला की सनाई की कमाल है लकद खलकन अल इंसान अफी आसान तकदीम करीबन 1,000 सफ़े का इंसाइक्लोपीडिया होता है तो मुझे 900 इंसाइक्लोपीडियाज की जरूरत पड़ेगी एक इंसान की डीएनए कोड की तफसील लिखने के लिए। श्री गालिब ने कहा था कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दुआ क्या है ये परी चेहरा लोग कैसे हैं रिमजा और ईशो अदा क्या है सब्जा और गुल कहाँ से आए हैं अब्र क्या है हवा क्या है। अगर एक इंसान के जिस्म की तरफ अगर आप गौर फिक्र करें यानी नंबरोलॉजी की साइंस की तरफ अगर आप गौर फिक्र करें तो सूरह ज़ुमर की आयत मुबारक का नंबर 6 में है यखलुकुकुम फी बुतून उम्महातिकुम खलकन मिन बाद खलकिन फी ज़ुलुमातिन सलास। आज से 1400 साल पहले वही के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इशारा फरमाया गया कि एक इंसानी जनीन यानी एम्ब्रियो या फिटस जो है वो तीन तहों में लिपटा होता है। एक इंसानी बच्चा तीन तहों में लिपटा होता है। उस वक्त साइंस इतनी तरक्की पजीर नहीं थी। पहली दफ़े 1651 में प्रोफेसर डॉक्टर हार्वे ने अनाटमी और सर्जरी के जरिए से साबित किया कि एक इंसानी बच्चा यानी जनीन यानी एम्ब्रियो वो तीन तहों में लिपटा होता है एब्डोमिनल वॉल यूट्रिन वॉल और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। शुरुआत मोहतरम कुरान हकीम में इरशाद है सूरत रहमान की आयत मुबारक नंबर 33 में या माशा जिन वल इंस इस्तिताअ मन तनफुजू मिन अक्तार अस्समात वल अर्द फनफुजू ला तनफुजू इल्ला बिसुल्तान। क्या जिन और इंसानों की जमातों अगर तुम आसमानों की कतारों में से बाहर निकलना चाहो और जमीन में से बाहर निकलना चाहो तो बेशक निकल जाओ
तुम निकल सकते हो फल फजूल ना तल फजूल है अल्लाह सुल्तान, लेकिन वास वैस सुल्तान के नहीं निकल सकते, यानी बहुत ज़्यादा ताकत आपको चाहिए। चुनाचे साइकिल बारका नंबर 33 में वाज तौर पर फरमाया गया कि वो स्टेज आएगी जब इंसान इस कुरै अर्ज से बाहर निकलेगा और ये चांद की तरफ जब अपोलो 11 ने जून 1969 में सफ़र किया तो इतनी ज़्यादा कशिश शकल थी कि इससे बाहर निकलने के लिए अपोलो 11 की स्पीड 25,000 मील फी घंटा थी, तो फिर इस ताकत के साथ उसे बाहर निकलना पड़ा। कुरान हकीम में इल्मुल बाहर का भी जिक्र है कि ओशियोग्राफी हमारे स्कोरस पर 71% समंदर है। सूरह रहमान की आयत मुबारक नंबर आयात मुबारक नंबर 19 और 20 में है कि महाराज अल बहरा ने या ताकिया ने बैना हुआ बरजाफन लागे या कि जब दो समंदर मिलते हैं आपस में तो उनमें एक बाकायदा हम पर्दा डाल देते हैं। अगर आप अटलांटिक ओशन को देखें और मेडिटेरेनियन सी को अगर फिजाई तौर पर अगर आप उसका मुताला करें तो उनका पानी आपस में नहीं मिलता, एक का नीला है एक का सबज है और वो पानी जुदा जुदा रहता है, यूँ लगता है कि किसी ने दरमियान में एक दीवार खड़ी कर दी है। समुद्र की गहराई कितनी है, 200 मीटर के बाद तो कुछ नज़र नहीं आता, 100 मीटर के बाद भी मुकम्मल अंधेरा होता है, लेकिन 200 किलोमीटर के बाद तो समंदर में कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन आप अल्लाह की शान देखें कि ब्लैक डॉल्फिन मछली जो अंधी होती है अपने इको लोकेशन सिस्टम के जरिए से सेंसर के ज़रिए से ये नाबीना मछली जो है अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को खुराक भी देती है, उन्हें तलाश भी कर लेती है, घूमती फिरती भी है, उसकी शान है। समुद्रों में जो गड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर गहरा गड़ा है, फिर 64,000 किलोमीटर पहाड़ हैं समुद्रों में। इंसाइक्लोपीडिया ओशनोग्राफी 1872 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन में शाया की, ये 50 जिल्दों में है, 50 वॉल्यूम्स में है और इसमें दुनिया के तमाम समुद्रों के बारे में मालूम दर्ज है। इसी तरह और आगे थालोजी का भी जिक्र करूँगा, यानी इल्म तय्यूर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ये पहले मुफस्सिर कुरान थे, पहले मुफस्सिर कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद जो मुफस्सिर कुरान हैं वो हज़रत इब्ने अब्बास थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो फरमाते हैं एक जगह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इल्म तय्यूर भी सिखाया, यानी आगे थालोजी भी सिखाई। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपने फरमाया था कि अला मदीनतुल में अली बाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के एक बहर सफ़ात थे। हमलम यरा वल तारिक साफात बयदना मायूम से कुहन्ना इला रहमान इन्हु बिकुल शैइन बसीर, कि आप नहीं देखते इन परिंदों को कि किस तरह अपने को पर फैला कर फिजा में वो घूमते हैं, फिजा में वो उड़ते हैं, किसने उनकी परवाज़ को थामे हुए हैं, कौन है जो उसकी उनकी परवाज़ को थामता है, अल्लाह यानी रहमान ने उनकी परवाज़ को थामा हुआ है और अल्लाह ताला हर चीज़ को देख रहा है। एक अबाबील है जिसे आर्कटिक टर्न कहा जाता है, वो 22,000 मील का सफ़र 6 माह में तय करती है। मसलन अगर ये घोंसला है तो आगे थालोजी या इल्म तय्यूर का प्रोफेसर वहाँ नेट लगा देगा, नेट लगा कर उस परिंदे को पकड़ लेगा और उसकी गर्दन में या पाँव में इसके पंजों में टैग लगा देगा, मसलन सियालकोट ABC एक मिसाल दे रहा हूँ, और फिर उसे तो नेट उतार देगा। यानी उस वक्त कहता है कि जब इसकी परवाज़ 6 माह की शुरू होने लगती है, जब वो हिजरत करती है 6 माह के लिए खुराक के लिए, तो फिर ये 6 माह के बाद वही परिंदा जो है उसी घोंसले में आ जाता है, वो नेट लगा कर दोबारा से चेक कर लेता है। तो आप खुद अंदाज़ा फरमाएं कि इंसान भी सहराओं में और समुद्रों में और मुल्कों में और इलाकों में अपना सफ़र भूल जाता है, लेकिन ये नन्ना मुन्ना परिंदा जो चंद औंस
ذخیرہ کرتا ہے چربی اور ذخیرہ کرنے کے بعد یہ 22,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے اور اپنا راستہ نہیں بھولتا. اسی طرح ایک مٹن برڈ ہے جو 15,500 کلومیٹر سفر 6 بار طے کرتا ہے. دی بائبل دی قرآن ان سائنس جو ڈاکٹر ورس بکائی نے لکھی تھی اس میں انہوں نے ان واقعات کا ذکر کیا ہے. کیمبرج نے کیمبرج انسائیکلوپیڈیا برڈ شائع کیا جو بروکانڈ ڈیرک ہیڈ صاحب نے 1991 میں ترتیب دیا. لہٰذا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے تحقیق کو چھوڑ دیا لیکن اہل مغرب نے تحقیق میں اپنا سفر جاری رکھا. سورۃ النمل اس کے بارے میں عرض کروں گا. دوبارہ کائنات صغرا کے موضوع پر مختصر گفتگو کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری چھوٹی مخلوق پر بھی غور و فکر کرو. اپنا منارا نفس ہوں ولا رب ہوں کہ جو اپنے آپ کو پہچان جائے وہ اپنے رب کو پہچان جاتا ہے. کہ حضرت انسان تو بہت بڑا ہے, تیرا جسم بڑا ہے, چلو چیونٹی پر غور و فکر کر لے. اور باقاعدہ اس پر سورۃ النمل ہے یعنی دی آنٹ یعنی چیونٹی. آپ خود اندازہ فرمائیں کہ چیونٹیوں میں کتنا ڈسپلن ہے. ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ چیونٹی انسانوں کی طرح اپنے ساتھیوں کو زمین میں دفن کرتی ہے. چیونٹی کا کتنا ننا ننا دل ہے, اس میں کتنی باریک رگیں ہیں, اس میں بصارت بھی ہے, اس میں بصیرت بھی ہے, اس کی آنکھوں میں کتنی باریک ترین رگیں ہوں گی. انسان سوچ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتنے کرشمے اور اعجاز بتائے. اسی طرح سورۃ العنکبوت ہے, دی اسپائڈر یعنی مکڑا, اس کی آیت نمبر 41 میں ہے کہ جہاں تک کہ مکڑے کے گھر کا تعلق ہے تو یہ گھروں میں سے ایک بڑا عارضی گھر ہے. پھر فرمایا وما یاکلھا الا العالمون. خواتین خانہ ایک برش کے ساتھ جھاڑو کے ساتھ اسے صاف کر لیتی ہیں. اس بیچارے کے گھر کی کیا حیثیت, مکڑے کے گھر کی کیا حیثیت, کتنا ہی ناپائیدار ہے. لیکن پھر فرمایا تم ہاں یعنی محمد مما یا کے رفا عالم. عالم کہتے ہیں ریسرچ فیلو سائنٹسٹ. صرف سائنٹسٹ ہی بتا سکتے ہیں کہ غور و فکر کر کے عقل استعمال کر کے کہ یہ ناپائیدار ہے یا مضبوط ہے. چنانچہ اس پر ریسرچ ہوئی اور جو لائف جیکٹ بنائی گئی ہے وہ مکڑے کے اس دھاگے سے بنائی جاتی ہے اور وہ فلاد سے 3 گنا زیادہ مضبوط ہوتی ہے. اس میں حتیٰ کہ کلاشن کو کی گولی بھی داخل نہیں ہو سکتی. تو ماں یا کہ اسی طرح قرآن حکیم میں ویٹنری سائنسز کا بھی ذکر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف جانوروں کا ذکر کیا. ان میں ایک خنزیر بھی ہے جو 70 بیماریوں کا مجموعہ ہے. اس کے گوشت کھانے سے ٹیپ وارم اس میں ہوتے ہیں جو ان کے ذریعے سے دماغ میں داخل ہو جاتے ہیں اور پاگل پن کا بھی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح قرآن حکیم میں فورینسک سائنسز کا ذکر ہے جن میں فنگر پرنٹس ہیں, ہینڈ رائٹنگ ہے, گریفالوجی ہے. یاسب الانسان ان نجمہ عظامہ ہوں بلقادرین علی ان نبست یا بنانا ہوں. سورۃ قیامت کی آیت نمبر آیات مبارکہ 3 اور 4 میں ہے کہ کافر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم تو ہڈیاں بن جائیں کہ کس طرح ہمیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن. نہیں, بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دن ہم ان کی انگلیوں کے پورے بھی مکمل کر دیں گے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ آج 6 بلین سے زیادہ انسان ہیں لیکن ہر انسان کا انگوٹھا اور اس کے نشانات مختلف ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان نشانات کو بھی دوبارہ یعنی کمپوز کر لیں گے. ہم اس چیز پر قادر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان, کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. الطہور نصف الایمان, پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے, یہ آدھا ایمان ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ جو ہے اس کے اپنے طبی فوائد ہیں, وضو کے اپنے طبی فوائد ہیں, تیمم کے اپنے طبی فوائد ہیں, غسل کے اپنی طبی فوائد ہیں, اور یہ تمام
हाइजीन यानी इंसान सेहत का कानून हमारी शरीयत मुकदसा में मौजूद है। प्रोफेसर पी के हिटी लिखता है कि एक नन 60 साल तक नहीं नहाई थी, क्योंकि ईसाइत में पानी का इस्तेमाल जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता, इसे निजस समझा जाता है। लेकिन अगर आप वुज़ू को देख लें, अपनी नमाज को देख लें, उसके जो फ़वाद हैं वो हाइड्रोथेरापी है, साइकोथेरापी है, फिजियोथेरापी है, स्ट्रेस थेरापी है। लेकिन यूरोप ने इन चीज़ों को छोड़ दिया, मसलन तहारत, और हत्ता के बाद अपने ऐसे शर्मनाक खबरें हमें मिलती हैं। मसलन चंद माह पहले मैंने जंग में खबर पढ़ी कि बेल्जियम के वज़ीर आज़म का निकाह हो चुका है, और मौसूफ ने जो निकाह किया है वो निकाह चर्च में रजिस्टर हुआ है, और चर्च मस्जिद की तरह एक इबादतगाह होती है, और उसने जो निकाह किया और जो पादरी ने निकाह पढ़ाया वो किसी दूसरे मर्द के साथ उसका निकाह, इसे गेम मैरिज कहा जाता है। 1959 में इकवामी मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट शेयर की थी, यूएन डेमोग्राफिक रिपोर्ट, और उसके मुताबिक यानी 1959 में पूरे यूरोप में वारद जना की तादाद, यानी बास्टर्ड चिल्ड्रन जो है उनकी तादाद 60% थी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में 70% थी, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में 70%, पर मुसलमानों में ना होने के बराबर 0। अब आप कोई फॉर्म मंगवा लें किसी बच्चे दाखिले के सिलसिले में यूरोप से, तो वहाँ मदर्स नेम रखा होगा। चंद साल पहले न्यूज़ वीक पढ़ने का इतफाक हुआ, तो शिकागो में जो अमेरिका की स्टेट है वहाँ इलीजिटमेट चिल्ड्रन यानी बास्टर्ड चिल्ड्रन जो हैं उनका जो वो अब 90% से भी ज़्यादा है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है कि जब इंसान को क़यामत के दिन पुकारा जाएगा तो उसे माँ के नाम से पुकारा जाएगा। मैं न्यूट्रिशन के बारे में भी कुछ अर्ज करूँगा। सूरह बकरा की आयत मुबारक नंबर 133 है कि हवलैन काबिलैन, कि औरतें यानी माएँ जो हैं वो 2 साल बच्चों को दूध पिलाएं, इसके बड़े फ़ैज़ और बरकात हैं, रूहानी भी और जिस्मानी भी और तिब्बी भी, कैंसर भी नहीं होता, जो सच है। फिर शहद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें 99 बीमारियों का इलाज है, कि शहद में शिफा है इंसानों के लिए। 93 की बात है, मेरे वाले साहब के दोस्त ने मुझे रेल यात्रा से 3-4 बोतलें भेजी शहद की, और वो मैंने इस्तेमाल की, और अब तो मेरी रूटीन ये है कि लगातार मैं डेली इस्तेमाल करता हूँ। अब यकीन माने कि 1993 से 1993 से अब तक मुझे बुखार नहीं है। मैं 4 दिन पढ़ाता हूँ, सर्विस के दौरान भी CSS वालों को पढ़ाता था, आजकल भी पढ़ाता हूँ। 3 दिन मेरी छुट्टी होती है, और ये 3 दिन में कभी आपके पास आ गए से आपको कभी किधर कभी किधर, 3 दिन में फारिग होता हूँ, 4 दिन पढ़ाता हूँ, और 1 दिन भी मुझे नहीं याद कि बुखार की वजह से मिस। परसों मुझे बच्चों ने भी होटल की वो नान खिला दिया कीमे वाला, तो फूड पॉइजनिंग शुरू हो गई, और रात को ही कैफियत थी कि दिल तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं सोच रहा था कि इतना कर दूँ कि मेरा पहुँचना मुश्किल, कि मैं नहीं पहुँच सकूँगा। फिर मैंने शहद का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जहाँ 3 चम्मच डालता था मैंने 6 चम्मच डाल दिए, अगर देखी गए अल्लाह का काम, और मेडिसन भी दी, और आज को ड्राइव करके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ कर, थोड़ा सा बुखार भी शुरू हुआ लेकिन वो भी ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ये ज़ाती तजर्बा है कि अगर सबको आप पानी में से मिक्स करके 1 चम्मच लें, और वो शिफा, और वो खालिस है, तो उसमें शिफा है। हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मज़म शिफा लिकुल दा, कि ज़मज़म के पानी में हर बीमारी के लिए शिफा है। हमारा भी यकीन कामिल है और होना चाहिए,
कैंसर नहीं हो सकता अगर आप जमजम वापस नियत से पिए, बाकी टीबी नहीं हो सकती, बाकी बीमारियाँ नहीं हो सकती, अल्लाह ताला हमें खुश रखेगा। फिर अजवा खजूर के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार्ट पेशेंट्स का इलाज करवाया। कलवंजी के बारे में आपने फरमाया कि मां सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए इसमें शिफा है। और फिर जैतून जो है और खजूर ये कैंसर को रोकते हैं, ये लेटेस्ट रिसर्च है। और जैतून इतना मुबारक फल है कि कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई कि बत्ती ने वो जैतून है। शरकाय मतलब अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए मैं याद करूँगा कि साइंस ने आज बहुत तरक्की कर ली, लेकिन कभी हमारे अकाबरीन, हमारे उलमा, हमारे साइंसदान उन्होंने पूरी दुनिया को इलम के रूप से मुनवर किया। सूरत कलम की आयत नंबर 1 में है कि नून वल कलम वमा यस्तुरून, कि नून और कलम की कसम जिससे आप सतरें लिखते हैं। हम ये देखते हैं कि पहली सदी में लून नामी सूबे में कागज़ ईजाद हुआ था। मुसलमानों ने 786 में सब में समरकंद और बुखारा में ये टेक्निक सीख ली, और बगदाद में हारून रशीद के ज़माने में 794 में बाकायदा पेपर मिल बन चुकी थी, पेपर मिल लग चुकी थी। और इसी तरह हम ये देखते हैं कि 790 के करीब करीब मक्का मुकर्रमा में कागज़ पहुंच चुका था, लेकिन मक्का मुकर्रमा के मुकाबले में ग्योटनबर्ग और जर्मनी इतने बैकवर्ड थे, इतने पसमादा थे कि वहाँ कागज़ पहुँचते पहुँचते कई साल लग गए। 15वीं सदी में वहाँ पहली दफ़े प्रेस कायम हुआ। इसका मतलब ये है कि करीबन 800 साल में कागज़ ने जो अपना सफ़र तय किया समरकंद और बुखारा से लेकर मक्का मुकर्रमा से ग्योटनबर्ग और जर्मनी तक जो कागज़ ने सफ़र तय किया वो 800 साल उसमें सफ़र किया। यानी वो टेक्नोलॉजी में और साइंस में और रिसर्च में किस कदर वो बैकवर्ड थे। अगर आप ये देखते हैं कि 912 में जब हमारा 800 साल की हुकूमत थी स्पेन में, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्डोबा यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्डोबा जो है तो 912 में कायम हुई। कैम्ब्रिज में 12वीं सदी में कायम हुई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1250 के लगभग यानी 1229 में कायम हुई। आज हम देखते हैं कि दुनिया में पागलपन है, लोग खुदकुशियाँ करते हैं, सुकून नहीं। तारीख इस्लाम और सीरत पाक की कुतुब में दर्ज है कि पागल औरत मक्का मुकर्रमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली और कहने लगी कि आप वहाँ जाएँ, आप वहाँ तशरीफ ले गए, नहीं आप वहाँ जाएँ, आप वहाँ जाएँ, नहीं इधर नहीं, आप वहाँ जाएँ। सहाबा किराम बड़े परेशान थे कि ये हुक्म सादिर कर रही है कि पागल औरत। दरअसल पागल औरत अपने ख़ानदानी मसाइल की वजह से और परेशानियों की वजह से पागल हो गई। अचानक उसने महसूस किया कि इतनी शफीक हस्ती, उसकी तमाम याददाश्त वापस लौट आई और उससे नहीं। और आज के जितने भी हॉस्पिटल हैं और जितने भी इदारे हैं साइकाट्री के और साइकोपैथी के और साइकोलॉजी के और मेंटल डिजीज़ के बरतानिया में और अमेरिका में, उसमें यही फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है कि मरीज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार किया जाए, शफकत की जाए, ताकि उसकी जिंदगी कैफियत ठीक हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की नफ्सियात के बारे में भी कहा। कुरान हकीम में ये इरशाद है कि वला तकल्लहुमा उफ्फन वला तनहरहुमा, कि आप इन्हें उफ तक न कहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जो एक शख्स एक दफ़े अपने वालिदैन में से किसी एक की खुशी के चेहरे से खुश होकर अपने उस चेहरे से ज़ियारत करता है तो एक मकबूल हज उसके अमालनामे में लिखती जाता है। सवाल किया गया कि या अल्लाह एक या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हज आपने फरमाया कि जितनी दफ़े
तो आँख भर कर अपने वालिदैन की ज़ियारत करेगा, उतने मकबूल हज तरियामा मोहे में रखे जाएंगे। शुरका मोहतरम, कुरान हकीम की एक आयत है जो सूरत शम्स की आयत नंबर 8 है कि फ़ाद हा हमा फिजुरा तकवा। मोहम्मद असर अपनी तफसीर भी वैसे अपनी कुरान में लिखते हैं कि इससे मुराद इंस्पायरेशन है यानी इल्हाम है। सैयद हामिद हसन गिलगिरानी जो वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी भरतपुर में भी रहे, उनकी तफसीर फिजुल कुरान है, उसमें लिखते हैं कि इससे मुराद गैब जुज़वी है। दो किस्म के इनमें गैब होते हैं, गैब कुल्ली अल्लाह ताला को मुकम्मल गैब का इल्म, फिर गैब जुज़वी जो अल्लाह ताला किसी को वदियत कर देता है गैब का इल्म, जिसे आप टेलीपैथी कह लें, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कह लें, क्लियर वॉयस कह लें, प्री कॉग्निशन कह लें, साइकोकाइनेसिस कह लें। मुझे मालूम नहीं था कि पैरा साइकोलॉजी इतनी बड़ी साइंस है। और इसे 25 साल पहले मैं एक प्रोफेसर साहब जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर कुरैशी साहब उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, आप अमेरिका से PhD है पैरासाइकोलॉजी में, उनसे मैं कई किस्से बयान करता था तो वो मुझे हंस का कहते थे कि ये आप जो किस्से बयान कर रहे हैं आप तो प्रैक्टिशनर हैं पैरासाइकोलॉजी के, यानी अल्लाह ताला ने भी आपके कर दिया है। दो तरीके होते हैं गैब जुज़वी के, या तो वज़ाइफ के ज़रिए से यानी इक्तिसादी और दूसरा बाकी, ये मुफ्त में आपको किसी भी दुआ के ज़रिए से मिल गए हैं। और मैं उन चंद तजर्बात की रोशनी में कुछ अर्ज करूँगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ इसके बारे में फरमाया उसके बारे में अर्ज करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तकू फिरासत अल-मुमिन फइन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि तू मोमिन की अकलमंदी और उसकी दानाई से डर क्योंकि वो अल्लाह ताला के नूर से देखता है। मुझे याद है 1970 में मैं लॉ का इम्तिहान देकर रावलपिंडी गया कि मेरा वाले साहब SDPO थे पुलिस में सरकारी घर था छावनी में, मेरा छोटा भाई मैं और मेरा एक कज़न हम कोठी के साथ ही यानी घर के साथ जो मुझे का कॉरिडोर था इसकी ऊंचाई करीबन इतनी थी जैसे कुछ शहर कम होगी, बरतानिया के दौर के जैसे सरकारी रेस्टोरेंट्स होते हैं उस किस्म का वो सरकारी घर था। हम लेट गए, गैस का महीना था, सो गए, अचानक 1 बजे मैं उठा और मैंने काम करना शुरू कर दिया। इंतहाई खौफ, मैं अपने कज़न को अंदर ले गया, छोटा भाई अंदर जाने के लिए तैयार नहीं था, उठने लगा कि पंखा चल रहा है, मौसम अच्छा है, वैसे उठा के ले जा रहे हैं, मैं ज़बरदस्ती पकड़ कर उसे अंदर ले गया। अभी हम कच्ची नींद में थे, अभी भी सोए थे, इतना की आवाज़ आई कि अल्लाह वाले साहब फरमाने लगे कि आपको टेलीविजन तो नहीं किसी बच्चे ने बिगाड़ दिया। मैंने कहा कि अल्लाह वाले साहब इतनी हाथ धमाका तो टीवी का नहीं हो सकता, हमने वो देखा तो पूरा कॉरिडोर नीचे गिर चुका था और उसका इतना दरमियान में इतना मोटा गार्डन जो है वो गिरा था, इतने इतने पत्थर और इतने इतने लंबे कील और जहाँ लेटे हुए थे वो तमाम फर्नीचर चकनाचूर हो गया और गार्डन की हमने फरमाइश की वो जहाँ लेटे हुए थे वो दरमियान में वो पूरा गिरा। मैं सोचता हूँ किसने मुझे रात को जगाया 7 बजे, यकीनन ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ये एक गैबी इल्म जिसे आप रिलीजियस भी कह सकते हैं। एक और वाकया मैं अर्ज करूँगा 1988 का, मेरी पोस्टिंग बतौर डिप्टी कमिश्नर नहीं हो रही थी, उसमें कुछ रुकावटें थी और ज़ैन खान एडवोकेट हमारे बुजुर्ग और रिश्तेदार भी शुरू पर उन्होंने कहा क्या मेरे लिए दुआ करवाएं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने हजरत से दुआ करवाता हूँ। और वो बुज़ुर्ग जो थे वालों वालों जो थे असम्बली में सूफी बरकत अली लुधियानवी साहब, तो मैंने सरकारी दौरा बनाया वहाँ की इंस्पेक्शन रखी 88 में जुलाई की अर्बन बात है एक मौका ले। तो रास्ते में जा रहे थे तो मैंने कहा औरंगजेब खान ये क्या वजह है, क्या ज़ियाद हक मुनाफिक है या क्या इसका प्रेशर है, ये फिकह इस्लामी का क्यों नहीं निफाज करता।
उसने कहा जी कि अब काम पूरा हो चुका है, वक्त ख़त्म हो चुका है, अब तो इसका त्यारा जो है वो क्रैश होने में सिर्फ एक माह बाकी है। आपको कैसे मालूम है? मुझे हजरत ने जो टाइम टेबल दिया था उसके मुताबिक एक महीना बाकी है। इस मौजू पर हम काफ़ी देर शुरू करते रहे। समंदरी पूछे वहाँ हजरत ने पाठ का लिबास पहना हुआ था, हुजूर पाक का वर्द जारी था हल्के की सूरत में। जब आप फारिग हुए तो फिर उन्होंने मेरा तारफ करवाया, मेरे बुजुर्गों ने उन्होंने तो आपने फरमाया कि आप बैठे चाय बात की, वापसी में आपने फरमाया कि सब अच्छा अल्लाह तआला ने करम किया। तो ये मैंने वाकया एक डिप्टी सेक्रेटरी को अपने साथी को बताया और एग्जैक्ट अगस्त में यानी अगले माह ये त्यारा क्रैश हो गया। जब सेक्रेटरी तीन चार दिन के बाद खुला, सेक्रेटरी सील हो गया था सारा सिविल सेक्रेटरी वाला, तो मुझे मेरे दोस्त मोहम्मद अहमद भट्टी ने फ़ोन किया कि आप नीचे आए, बेसमेंट में उनका दफ्तर था और वहाँ कोई MLA और सियासी शख्सियात भी बैठी थी। उन्होंने मुझे कहा कि आपको तो एक बार पहले पता था कि जन्म जयाल हक का हादसा जो है वो त्यारे होने वाला है, उसकी तफसील होता है। मैं कुछ बताने लगा तो साथ एक और डिप्टी सेक्रेटरी था, उसने मुझे इशारतन समझा दिया कि आप इस तरह ना करें। मैंने बाप को कॉल किया, वहाँ से मैंने इजाज़त ली, बाहर निकला तो डॉक्टर सफदर महमूद साहब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के दफ्तर के बाहर मेरा ड्राइवर मौजूद था, वो चीख रहा था कि जी या कर नहीं साहब को तो मालूम था एक माह पहले उनके त्यार क्रैश होगा। तो मैंने उसे समझाया लगती है कि आप ऐसी गुफ्तगू करें क्योंकि यहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले कहते हैं सब एजेंसीज होंगी, ये लोग नहीं कि और मुझे मुसीबत पड़ेगी गिरफ्तार कर रहे हैं इंटरोगेशन के लिए। तो बुजुर्ग की पेशेंट वही थी। वह कैफ एक और वाक्य व्यास करूँगा सर फिर मौजूद को ख़त्म करूँगा। 1985 में 1985 में मुझे 12 o'clock का इम्तिहान देने के लिए लंदन जाना पड़ा। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के हॉस्टल में इंटरनेशनल हॉल में ठहरा हुआ था। लेकिन मैंने ख्वाब देखा कि मियांवाली के करीब जो रेल कार है जो रावलपिंडी से मियांवाली जाती है उसका एक्सीडेंट हो गया रेल कार। मैंने फ़ौरन नोट कर लिया। उस ज़माने में ये मोबाइल भी नहीं होते थे, टेलीफोन भी बहुत मुश्किल से मिलता था गुजार मियांवाली। और मैंने सोचा कि मैं ये क्यों पूछूँ, नोट कर लिया। चलाते जब मैं मियाँ वाली आया तो वहाँ मैंने किसी साथी से पूछा कि क्या रेल कार का हादसा हुआ, फलां क्रॉसिंग पर रेल कार का हादसा हुआ और बस में इतने लोग मर गए थे। तो ये भी अजीब और गरीब वाक्य था कि खुदा 6000 किलोमीटर दूर इलाका ऐसी चीज़ों का पता चला। एक और वाक्य आज करूँगा मुख्तसरन, साइकोलॉजी के कई वाक्यात हैं। मैं जब डिप्टी कमिश्नर चकवाल में था तो मैं कमरे में रहता सोता था क्योंकि रात को कभी 1 बजे फ़ोन आ रहा है कभी 2 बजे, लोगों के शादी तो किस मुल्क से कहीं किस मुल्क से। मैं चाहता था कि बच्चे डिस्टर्ब ना हो तो अलग रखें वापस नहीं तो सो जाता। फिर जब मेरे सुबह को 2:30 बजे का टाइम था कि मैंने महसूस किया कि एक तेल का कुआँ है और उसमें आग लगी, उसके साथ का आवाज है, आगे गंदम के ढेर हैं, गाँव है और ख़तरा है कि वो आग आगे ना फैल जाए। तो इतने ज़ोर का वो धमाका हुआ पेट्रोलियम के तेल के कुएँ में कि मेरे कान भी हिल गए बड़े ज़ोर से और मैं जा उठा। अगले दिन मैंने मीटिंग की असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल से और मैंने उसे ये कहा कि हो सकता है कि कोई हादसा हो तो आप एहतियातन तमाम जो आयल वेल्स वाले हैं कि वो अपने कारवान को दूर रखें, यानी कुएँ से दूर रखें ताकि अगर आग लगे तो कारवान जो है उन्हें आग न लगे और आगे देहात भी पास होते हैं, गंदम की कटाई का मौसम है, गंदम को भी आग लग सकती है, ढेर पड़े हैं, देहात भी जल सकते हैं। खैर उसने मेरी इस मीटिंग को सुना और वो बड़े मजाक आखिर अंदाज में कहने लगा कि जनाब वाला हजूर वाला आपके हुक्म की तामीन होगी। और ज़ाहिर है कि उसने बाहर भी जाकर कहा होगा कि क्या पागल आदमी है, कहते हैं कि भी आज धमाका होगा तेल के कुएँ में और इस तरह आप एहतियात करें। अगले दिन 2:30 बजे उसका फिर फोन आया कि सर जल्दी आप पहुँचे, मेरा भैरवी जो है DSP वो तो मौके पर पहुँच चुका है, फिर कसर का जो इलाका है वहाँ जो तेल का कुआँ था वहाँ आग लग गई, आप जल्दी पहुँचे। मैंने कहा आप सड़क पर मौजूद हूँ, मैं गाड़ी निकालता हूँ, मैं उसे साथ लिया मौके पर पहुँचा। उसी तरह कारवां खड़े हुए थे
تو انہوں نے بتایا کہ جی آئے ویل میں ایکسپلوژن ہوئے آگ لگی ہے لیکن اللہ نے کرم کیا کہ ہم نے کاروانس دکھا دیے کہ وہ کاروانس کے ساتھ ہی گندم کے بہت بڑے ڈھیر تھے اور آگے گاؤں تھے ان کا سر کیوں انہوں نے آگ نہ لگ کر اور وہ اسسٹنٹ کمشنر جو ایک دن پہلے بڑا مزہ کا خیر انداز میں اس سے مخاطب تھا حالانکہ وہ بڑا مدد تھا ایک پی سی ایس آفیسر تھا جب فرنٹ لائٹس پر پڑ رہی تھی تو اس کا چہرہ جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے تصورات دے رہا تھا کہ ایک دن پہلے کس طرح پیشی گوئی کر دی اور آخری واقعہ میں یہ عرض کروں گا کہ 1934 کا واقعہ ہے کہ میرے پاس ایک سوزوکی ڈبا تھا اور میں سیان کو میں اسلام آباد سے چکوال روانہ ہوا پھر میرے لاہور آنا تھا میں نے صبح درود پاک اور جو دعائیں تھیں وہ حسب صادق وہ میں نے تمام پڑھ کے سفر کی دعائیں میں وہاں سے نکلا درود پاک بھی پڑھا تو اس کہہ رہا تھا کہ جلدی کریں میں نے کہا مجھے مکمل کرنے دیں اپنے وظائف پھر ہم چلیں گے کہ ہم کنر کہاں سے نیچے ہوتا رہے تھے شام کا ٹائم تھا تو میں ڈبا پڑھا تھا سلوکی اور 80 کلو میٹر اسپیڈ میں نے دیکھی 80 کلو میٹر اسپیڈ کی اس کی اور جیسے آپ تشریف فرما ہے اتنے فاصلے پہ آگے گدا گاڑی جا رہی تھی اور اس کے پیچھے بھی گدا بندھا ہوا تھا مجھے اگر تو شام کا ٹائم تھا اندھیرا کچھ ہو رہا تھا مجھے نظر آیا تو بریک کا ٹائم بھی نہیں تھا تو چنانچہ جب ڈبا ٹکرایا ہے اس سے تو اس کے نیچے کمپلیٹ یعنی ٹائر آٹ کھل گیا اور اس طرح ڈبے نے رخ کر دیا یعنی اس طرح رخ کر دیا اور آگے سے ایک ویگن آ رہی تھی پیچھے سے ٹرک تھے خطرہ تھا کہ ٹرک نہ اوپر چڑھ جائے تو ایمرجنسی بریکیں لگائی اور اس طرح ایک سرودی کی طرف ویگن جا رہی تھی وہ ڈبا جو ہے وہ اس میں لگا درمیان میں نے اس وقت سوچ لیا کہ میری زندگی کی یہ آخری شام ہے جب میری گاڑی ٹکرائی ہے اس وقت مجھے ہوش نہیں وہ باؤنس بیک ہوئی یعنی ٹکرا کے واپس اپنی جگہ پر ہو گئی میں نے دوست سے پوچھا بچ گیا وہ بیچارا ہارٹ پیشنٹ تھا کہنے لگے میں بچ گیا پوری ونڈ سکرین نیچے گر گئی ٹوٹی نہیں پہلے چشمہ پہنتا تھا وہ نہیں ٹوٹا دونوں سائڈ میرر جو تھے وہ نہیں ٹوٹے ہیڈ لائٹیں نہیں ٹوٹی البتہ اتنے زور کا وہ دھماکہ تھا اور وہ ٹکر ہوئی کہ وہ اسٹیئرنگ اپنی جگہ سے ہل کے میری پسلیوں میں آ گیا اور اس نے جکڑ لیا اور میں نے مجھے وہ وقت یاد نہیں کہ جب میں ٹکرایا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک باغ میں ہوں اور وہاں خوشبودار درخت ہے یا پھول ہے ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے اور ایک شخص میرے ساتھ کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج تم بچ گئے ہو اس درود پاک کی وجہ سے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح محفوظ رکھے گا اور اندوز ہو گیا اگلی دنیا میں بھی اس درود پاک کی وجہ سے وہ کون تھا شخص میرا علم ناقص ہے وہ کون سی دنیا تھی چند لمحات کے لیے میں وہاں گھومتا پھرتا رہا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا میرا علم محدود ہے سلسلے میں اہل فکر اور اہل علم بھی مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی دنیا تھی لیکن یہ درود پاک کی ایک خصوصیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں باورچی خانے میں فرمانے لگے کہ نصرتا کا کہ میں نے تمہاری مدد کر دی میں نے تمہاری مدد کر دی عمر المومنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے گفتگو فرما رہے ہیں فرمانے لگے فلاں قبیلے نے مدد کے لیے پکارا تھا میں نے اس کی مدد کر دی شرکائے محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے ساریہ پہاڑوں کی طرف بڑھ خطبہ دیتے ہوئے مسجد شریف میں آپ نے یہ الفاظ فرمائے تھے بعد میں پتہ چلا کہ جنرل ساریہ جو تھے انہیں فتح نہیں نصیب ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا اور وہ آواز وہاں سنی گئی کہ اے ساریہ پہاڑوں کی طرف بڑھ شرکائے محترم یہ تمام ان کا کائنات ایک دن اختتام پذیر ہوگی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں اور تاروں کو اپنی مٹھی میں اس طرح گھمائے گا جیسے ایک بچہ گیند گھماتا ہے راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
बार बार इससे इस हदीस पाक को फरमाते रहे और आप जज्बाती थे कि हमें खतरा लाहक हो गया कि कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंबर मुबारक से नीचे ना गिर पड़े। उसे अल्लाह ताला फरमाएगा कि कहाँ है दुनिया के बादशाह। और फिर बाबुल असामी में आता है जहाँ ये इनामों का जिक्र है कि जिस शख्स का नाम होगा जहांगीर आलमगीर तमाम दुनिया को गिरफ्त लेने वाला, तो अल्लाह ताला उसको बुलाएगा, अल्लाह ताला जलाल में आएगा कि तुम जहांगीर हो या मैं जहांगीर हूँ, तुम शाहजहां हो या मैं शाहजहां हूँ। इसलिए फरमाया गया कि नाम में आजी हो अब्दुल्ला नाम हो गया इस किस्म के नाम का। सूरह काफ में है हमारे के जमीन कौन इल्ला लजा है रकीब रतीद इन्ना अलैकुम लहाफिजीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून इन्ना अबरार लफी नईम पैदल फुजार लफी जहीम। के बुजुर्ग फरिश्ते लिख रहे हैं और जो शख्स नेक होगा जन्नत में जाएगा, जो बद होगा वो दोज़ख में जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी काफ़ी इसकी वसी और तशरीह फरमाई। मुताले कायनात इसलिए अहम मौजू है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुताले कायनात के से मुतलक आयत मुबारक की तिलावत फरमाया करते थे ताकि इंसान में अल्लाह ताला की ज़ात बबरकत के बारे में सही तसव्वुर हो कि अल्लाह ताला की ज़ात ग्रामी कितनी अजीम है जो हर इंसान की दुआ को सुनने वाली है। आखिर में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि दुनिया इस्लाम को तो दुश्वार चैलेंज है लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे ज़रिए फितना भी है। ये खनास आज़म ये रहीन आज़म ये दर्जान आज़म मिर्ज़ा कादियानी एक जगह पर लिखता है उसकी किताब है तस्कर के ये सातों आसमानों और ज़मीनों की तरतीब ठीक नहीं थी जब ये तख्लीक किए गए तो मैंने इनकी तरतीब को जो गलत तौर पर बन गए तो मैंने इनकी तरतीब को ठीक किया, मैंने तरतीब बन गए। उस खदास आज़म से ये पूछा जाए कि तुम्हारी आंखें तो टेढ़ी थी भेगा पान था, तुम तो ये दावा करते हो कि मैंने तमाम कायनात की तख्लीक के बाद उनकी तरतीब को ठीक किया, तुम तो अपनी आंखों की तरतीब को जो टेढ़ी थी और जो जिनमें भेगापन था उनको तो तुम तरतीब में नहीं ला सके, तो पूरी कायनात तो तुमने किस तरह तरतीब कर ली। और एक जगह वो कहता है तस्करा के मुझे कि अल्लाह ताला ने मुझे कुन फयकुन का इख्तियार दिया है, अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी है। नौज़बिल्लाह इंशाल्लाह ताला कभी ज़िंदगी हुई और मौका मिला तो काफ़ी अहमियत पर भी इंशाल्लाह ताला आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे इन टूटे टूटे अल्फाज को गौर से सुना। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आलिया पर अमल पैरा हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें ताकि हम फिर दोबारा दुनिया में अपनी तहजीब को अजीम इस्लामी तहजीब को बल कर सकें। मैं अपने बड़े भाई और मुकर्रम और मोहतरम साथ ही जनाब यासीन तैयब साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज इस महफिल में तशरीफ लाए और आपने रोना खुशी सदर महफिल का भी और उसके अलावा तमाम शुरा मोहतरम का भी और उसकी रच करी थी जितनी तबादलियाँ करी अल्लाह सल असीद मोहम्मद ही डॉक्टर बैतर अली खान नेहरू साहब ने हमें अपने मुशाहदात अपने तजर्बात और अपने इल्म से हमें सरफराज किया। उम्मीद है कि शुबह मजलिस को काफ़ी हद तक समझने का मौका मिला होगा।
आप सब से गुजारिश है कि अपने सवाल अगर मौजू से मेल खाते हैं उन्हें तहरीरी तौर पर स्टेज पर भिजवा दें। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत देता हूँ आखिर में अपने सदर अजीज ना ताहिर यासीन साहब को स्पीक लाइन सदारती कलमा पढ़ा दें। आपके गुस्तगू में
एक इल्म और तजर्बे का, इल्म और तजर्बे का हसीन समंदर मुझे भी बंद करके इसे आपको पेश करके चले गए। हम सब आपके शुक्रगुजार हैं, आपने नियत की दशा के बावजूद चार लोग होती हमारे साथ उसको पूरा किया। आपकी हर गुफ्तगू का एक बॉटम लाइन होती है और गुफ्तगू सिर्फ बैठना सुनना और उसके आने का नाम नहीं है, इसका एक अंडरलाइन मकसद होता है। और उस मकसद मैं आपकी गलत से मैं भी कहना चाहूँगा कि हम हैसियत इंसान सभी सब कुछ सुनते हैं, इल्म हमें कहने इल्म भी देता है, इल्म बहुत है, इल्म बेफना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये फला मसला जो है तालीम की कमी की वजह से है, ये फला मसला तालीम की, मैं ये कहता हूँ कि तालीम इतनी बेबहा है हमसे संभाली नहीं जा रही, जिसकी कमी है उसकी तरफ हमारी तवज्जो बहुत कम है। और वो तवज्जो वो कमी जो है वो तरबियत है, तालीम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तालीम इल्म में तरबियत में एक्सपोनेंशियल डाउन टर्न है, इतनी इतनी ये तेज़ी से बढ़ रही है और इतनी तेज़ी से ये गिरावट की तरफ जा रही है। और उसकी वजह ये है कि जो आपके माशरे में तरबियत के सुकून थे, तरबियत के इदारे थे, वो सब ओवर टाइम कमज़ोर हो गए। पहला इदारा माँ की गोद थी, टेलीविज़न ने माँ बाप की कदर को गायब किया। मैं नहीं कहता कि टेलीविज़न बुरी चीज़ है, कोई चीज़ अल्लाह ताला ने पुराने बाप ने फैसला कर दिया कि हर चीज़ के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान होते हैं। शराब के हवाले से जब ये बात खराब आ रही थी उसमें अल्लाह ताला को बदलत थी, बहुत खूबसूरत ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल हमें दे दिया मुसलमानों को कि वो कहा गया कि इसमें फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं, लेकिन क्योंकि इसके नुकसान ज़्यादा हैं फ़ायदे कम हैं इसको छोड़ो। इसी तरह टेक्नोलॉजी के बहुत फ़ायदे हैं बहुत नुकसान हैं, आप छोड़ तो नहीं सकते कि उतना छोड़ना चाहिए, लेकिन जो नुकसान था उनका उनका कोई हल नहीं होना चाहिए। सिंगापुर में ढूंढा हल ढूंढा कि उन्होंने जो खुराफात थी उनके सेंसर लगाया, इसको कोऑर्डिनेट किया गवर्नमेंट लेवल पे और खुराफात की जो तशरीहत आ रही थी उनको बंद कर दिया, अपने यहाँ एक्सप्लेन कर देते थे अपने मुआशरे को रिले करते थे, वही प्रोग्राम में उनके मुआशरे के लिए थी। हमारे ग्रुप में भी ये सजेस्ट किया गया, मैं उस शख्स को जानता हूँ बहुत बड़े शख्स के लिए उन्होंने हुकूमत में थे, उन्होंने ये तजवीज़ किया कि ये इंटरनेट जो है ये आपकी जनरेशन को दबा करेगा, ये अगर मादर की तरह का हुआ इसको कंट्रोल करें तो वाली जो टेक्नोलॉजी है जिसका ही चाहे वो बुरा प्रोग्राम देख लें जिसका ही चाहे अच्छा प्रोग्राम दे, उसको कंट्रोल नहीं किया गया। आज हम माँ बाप की जो सालतें होती थी जो हमारे दिन में था तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के दिन से निकली और बच्चों ने रुकावट शुरू किया और माँ बाप का जो इदारा था जो तबीयत का पहला इदारा था वो कमज़ोर हुआ। मैं समझता हूँ आप मेरे से यही कहेंगे इस माहौल में जो माहौल हमारे पास है उसने बच्चों की तबीयत का माँ बाप का जो इदारा था वो तबीयत के हवाले से कमज़ोर हुआ है इस प्रॉब्लम का। उसके बाद दूसरा इदारा मस्जिद की और मस्जिद में मेंबर जो है उसका रिश्ता माशरे के साथ अगर ख़त्म हो जाए तो वो इदारा अपनी हैसियत खो देता है। हमारे एक जो कॉलोनी है ज़्यादातर बाकी हमारे गांव से है, मैं भी गांव से करता हूँ, ज़्यादातर इमाम जो हैं वो नूर बशर का झगड़ा लेकर बैठे जाते हैं, उसका हमारे माशरे से क्या है? हमारे माशरे से तो मसाइल गाँव के अलग अलग उन मसाइल की तजिया करे और कुछ भी मसाइल में नहीं पढ़ सकता तो डेवलपमेंट का काम करवाए, लीडर है इमाम का। अंग्रेज़ ने एक काम बड़ा
खूबसूरत किया अपने लिए। जब गांव आबाद किए आपने जिसको इमाम का ओहदा दिया, सरबराह का ओहदा दिया, वो उसको कमी बना के रहे ताकि इसने लोगों की हिदायत करनी है। और अगर हिदायत करने वाला गरीब मस्कीन बेपाया बेदार उसके पास पहुँच उसको कमियों में तो आहिस्ता आहिस्ता मेम्बर का रिश्ता जो है वो माशरे से खत्म हो गया और वो कमज़ोर हुआ है। और अब तो बिल्कुल ही किसी किसी और बेहद की तरफ चले गए किसी और उसके मैं नहीं कर सकता। तीसरा जो इदारा था वो उस्ताद उस्ताद हमने जो सुना वो ये था कि उस्ताद की इतनी माँ बाप ने हमें तरबियत किया कि उस्ताद की इतनी इज्जत करो जितनी बड़ी की करते। हमने अपने उस्तादों की उदाहरण से आप हम उस जनरेशन से हैं, मैं और आप उस जनरेशन से हैं जहाँ बच्चा माँ के पेट में जाता था तो उस्ताद और माँ को बेटी को कहते कि बेटी आपके पेट में बच्चा है धुंधे पास फजीलत आपने कह आपके पेट में बच्चा है बेटा धुंधे पाक पड़ा था उसका फंक्शन था हमारे हम सब उस जनरेशन से तरह करते हैं जो धुंधों की बनी हुई। लेकिन हालात इस तरह के हैं कि हम धुंधों की बनी हुई जो जनरेशन है हम अगर अपने मैं जब गौरव फिक्र करता हूँ तो जब मैं गौरव फिक्र करता हूँ तो मैं मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या हूँ। नमाज का वक्त है मैं अपनी बात नमाज का वक्त है मस्जिद मेरे घर की बड़ी गरीब मेरी कोशिश होती है घर ही पाऊँ हालांकि मर्द की नमाज करते नहीं मस्जिद नबी करीम से सुन घर के नहीं पढ़ते बीमारी के माने में और मुझे पता है मैं शौक मुझे शौक है इस बात का मुझे गौरव फिक्र मेरे फिक्र में ये बात है फिर भी और फिर मैं अपने नंबर काटता हूँ मैं बड़ी बात करने लगा हूँ माफ कर मैं सिखों का बड़ा जो सिखों ने बड़ा जुल्म किया था उसको एक हवाले से एक साइड पर रखते हुए सिखों की एक बात जो है उसकी मुझे बड़ी हैरानी होती है और मैं बड़ा अपने आप को कॉम्प्लेक्स फील करता हूँ कि इनके गुरु ने पांच बातें बताई पाँचों ही अजीब हो रही है अच्छा पड़ा वक्त पान केस कोई एक मुझे बता दें असल के बारे में आज के मुआशरे में अच्छा पड़ा केस पान जवान लेकिन वो पाँचों चीज़ें उनको बड़ी मजबूती से पकड़े वफा की है उन्होंने अपने गुरु से वफा की है गुरु से वफा की है। और सिख जो है आप देखेंगे हिंदुस्तान में सारे हिंदुस्तानी जो हैं उनके चेहरे पीले पीले मरे हुए सिख जो है उसके चेहरे और मुझे ज़िंदगी में जहाँ भी कभी इन्विटेशन आती जहाँ सिख आया हो मैं ज़रूर जाता हूँ और उस चेहरे की लाड़ी देखता हूँ मैं अपने आप को अंदर धक्के मारता हूँ इसने अपने ग्रुप में पांच दफा कहा पांच चीज़ें इसकी वफा की हुई है इसके चेहरे की लाली देखो और तुम्हें पांच दफा नमाज कहा गया जिसमें मैंने अपना ही बात करना है मैंने नमाज अपना मुंह धोना है अपने बात में धोना है अपनी बातें की करनी है और किसने फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी पैगंबरी को बाबा गुरु नानक भी मानते और मदीना कई बाकी गलियों की उन्होंने उधर पाकिस्तान में वहाँ से भी फैलिया हुए तो उस नबी पाक ने मुझे कहा मेरे लिए हिदायत ये है डॉक्टर साहब फरमा रहे थे हमारे लिए हिदायत ये है कि गौरव फिक्र करें क्या गौरव फिक्र किस बात की कि क्या एक तो आपने बहुत अच्छा काम किया कि जो बहुत सारे नज़रियात फैलाए गए हैं जो पूरा इनको यहूदियों को कोई पता चलता है ना अगर पुराने पाक की किसी आयत का नहीं कर सकते हम किसी तरीके से उस पर बड़ी बड़ी किताबें आ जाती हैं हमारे जो स्कॉलर हैं वो स्कॉलर उनकी किताबें पढ़ के फिर उनकी बात करना शुरू कर रहा हाँ ठीक ही करते हैं मतलब कि हाँ नहीं होंगे अल्लाह ने किसी तरीके से उनको बनाना था लेकिन वो मुस्बत वो सोचे पाक सोचे हैं जो डॉक्टर साहब की तरह जिन्होंने सारा एनालिसिस करके हमें ये दिया कि वो गलत है
نے غلط کیا جو قرآن پاک کہتا ہے. کیا ہم اپنے آپ سے غور کرتے ہیں نماز کے حوالے سے؟ دوسری بات, کیا کسی سے قرض لیا ہے؟ ہمیں فکر ہوتا ہے کہ اس مریض کو دیں. کوئی اگر عید آتی ہے تو کلیکٹر کمشنر ڈپٹی کمشنر جو ہے ان کے گھر صوفہ لے کے جاتے ہوئے ہمیں خوف نہیں آتا کہ یہ وہ پرستی کر رہے ہیں. ان کا میں نے آ گیا تھا بندہ ایک دفعہ, میں کلیکٹر لاہور تھا تو میں نے انہیں کیا ہوا تو میرے گھر میں پھنس گیا. عید پہ ایک سبارڈینیٹ آ گیا, تو ایسا سبارڈینیٹ تھا جو میرے کلیکٹر کا سارا اور میرا سبارڈینیٹ تھا, اس کو میں زیادہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا. عید پہ مجھے بتایا گیا کہ خلاں صاحب آئے ہیں, میں باہر گیا تو باہر ہی ملا بات بھوکا سوکھا. تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے ڈیزی کھول کے کہتا ہے جی ذرا وہ صفائی کو بلانا, اس کو ہاتھ لگائے جانا ٹوکرا تھا بڑا بڑا جس میں لمبے لمبے کیلے بڑے بڑے سیب پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے, تو دوسری دنیا سے آئے تھے. کلیکٹر کے گھر جانا ہے, سیب بھی بڑے بڑے کیلے بھی بڑے بڑے, ایک بڑا چوڑا کرے کی کام. تو مجھے دیکھ لیں کہ میں مجھے یوں لگتا ہے جب اس طرح کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہاں کی گلی پہ ہے. میں جب اس سے نیتما صاحب میرے بڑے پیارے دوست ہیں, میں کہیں کسی کو گھر کو باہر لے کے نہیں جاتا تو مجھے نہیں پتا, تو پھر سب خوشی ہوتا ہے نہیں ہوتا. میں نہیں دیتا, اور گورنمنٹ سرونٹ کا یہ ہے تو کسی کو نہیں دیتا, لیتا ہی لیتا. میرے والد صاحب کہتے ہیں گورنمنٹ سرونٹ لیپو ہوتا ہے تو گورنمنٹ سرونٹ کو قطعاً اس کے نزدیک نہیں جانا چاہیے. وہ بہت خوش ہوتا جب وہ نوکری میں ہے, اس کے ساتھ تو کام ہے. آپ کو اپنا لے کے جمع ہے, میں نے اس کے ساتھ اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. میں نے تم آپ کو صفائی کو بلایا, میں نے کہا بڑا آ جاؤ سجو کا زمانہ کا کھیس تھا اس کے سر پہ. میں نے کہا کہ بلو کرو ذرا, ہم بلو کر کے بنا دوں چار کو تین بار میں چار کو کروں جی جی سر پاس ہے میرے بال بہن کے لیے وہاں کا چار کرو چکے. میں نے کہا کھیس تھا بلو کرو ٹوکرا اس کے ساتھ رکھا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مانگا اپنے گھر کے لیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچے کی عید بھیج دی. تو میرے اس الیکٹرک بائک کے سالے کو بڑا غصہ لگا, سمجھ آ گئی کہ مجھے کیسے رکھتا ہے آپ کو مائنڈ کیا. میں نے تو یس اسی طرح میں نے تو یس مجھے تو سنت ہے کہ مجھے پاک میں نے بی اے تک سلامیہ پڑھی ہے, میرا نالج بہت تھوڑا ہے. کہیں بھی یہ حدیث نہیں ہے کہ اکثر جو سرکاری عمار ہیں وہ اپنے ملازمین سے یا اپنے کلائنٹ سے چیزیں گفٹس لیں. تو آپ نے کون سی حدیث پڑھ لی ہے؟ میں نے کہا جو ایک تحفہ پڑھا کی تبلیغ فرمائی ہے یہ ہے کہ غریب بہن بھائی کو, غریب محلے میں بیٹھا ہے جن کو گوشت نصیب نہیں ہوتا, آپ عید کے دن ان کے پاس لے کے گئے. پھر تو اتنے بڑے بڑے ایریا اور اسٹیٹ اوپر لے کے گئے, پھر تو آپ مسلمان نبی پاک کے پیروکار ہیں. اگر آپ اتنی بہت پرستی کرنے گئے کہ ایس ایف صاحب کے ساتھ مجھے کام ہے اس کے لیے ٹوکرا لے گئے اور مسلم کو قتل کا کیس میں سنا لیا, کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہم ناٹوں کے ماحول میں رہتے ہیں, پڑھتے ہیں, وہ بھی دلی میں اٹھا رہے ہیں. وہ شاپ کہنے ہیں انہوں نے کوئی شک و شبہ نہیں, لیکن وہ اٹھے گا کیا مت آئے گا ہیڈ لکھ لکھا ہے دودھ ہمارا محمد جی نہ لکھے آ رہے تھے پورا میں جاننے کے جاننے کی. بابا آپ کی تو کیٹیگری پوچھ لی ہے, آپ تو بہت پرست ہیں اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے اس کے جو قریش مکہ تھے ان کا ہر قبیلے کا ایک دوست, پاکستانی مسلمان جو ہیں ان کی بغل میں ایک ایک کے بغل میں 365 ایک ایک کے پاس. اور ذرا غور و خوص, ہم تو گورنمنٹ سرونٹ ہیں, ہم اے سی آر کے لیے افسر کہنا دن چڑھ گئے وہ جی اتنا دن چڑھ گیا سر, تو وہ ایک منٹ بعد کہنے دے رہا پہلے وہ سر دے رہا تو شام ہوئی جو وہ یعنی جو وہ کہیں اس کی بات ہوئی. ہم نے کس کو کہتے ہیں انٹیلیکٹ جو انٹیگریٹی ہے دیانت ہے اس کی تین قسمیں ہیں, ایک ہے مالی دیانت ایسا دے گا, اس میں گورنمنٹ سرونٹ کا معیار یہ ہے جس شہر نے
उसको हकीकत दी, तो शायद ने मुझे यहाँ का एसी बनाया, डिप्टी बनाया, कुछ तो बनाया, तो मुझे इस सरजमीन का इतना शुक्रिया अदा करना है कि जिसका कोई हद सामने, इस सरजमीन ने मुझे अपना सरबराह माना। इसी तरह जैसे बीवी अपने शौहर को अपना सरबराह मानती है, तो अपनी बहन किसी को दे देता है शादी करके, माँ दूसरी शादी कर सकती है, बीवी किसी को नहीं देता। इसी तरह इतनी गैरत करनी चाहिए उस कुत्ते के हकूक की, वो अफसर सोचे कि इस कुत्ते के हकूक की इस गैरत से मैं करूँ, इसने मुझे हक मांगे, अब इसकी जान मार इज्जत मेरी हिफाजत में है। चले जाए कि मैं शाम को देख के वक्त मैं दफ्तर में हूँ, उसकी टेंशन शाम को गुजारने के लिए कश्मीरी में निकले जाऊँ कि नज़र से अफसर की मेराज ये है, जिस खत्ते में वो अफसर है तो वहाँ की बहू बेटी की दीदार की एक झलक की गलत जो है उसके आँख के पर्दे को नहीं होनी चाहिए जब सर उस खत्ते से छोड़ के जाए, ये मेराज है अफसर। दूसरी बात जो गवर्नमेंट मुलाजम आता है वो ये किसी का माल किसी भी तरीके तोहफे तहफ़ तो वैसे ही मना है, पर मैं लॉस एंजलिस गया ट्रेनिंग पे, मैंने अमरीक पर जो हरामी बच्चे जाते हैं और जो अफसर बता रहे थे 70% उनके हरामी बच्चे होते हैं, जो हरामी है उनका किरदार दे रहे थे, उनको मैंने पूछा कि अगर आप ट्रेनिंग देंगे तो आपको क्रिसमस वाले दिन बोतल शैम्पेन की बोतल पेश करें तो आप क्या करेंगे, तो मेरे घर से देखते उसको समझ ना आया कि ये क्या कह रहा है, तो क्यों देगा वो मैडम प्रोफेशनली आप मेरी वर्किंग रिलेशनशिप है कि इनका देना है क्रिसमस का देना वो आएगा, उसको समझ ही ना, उसको बड़ी मुश्किल से मैंने कहा फाड़ रहा हूँ, मैं सुबह फिर मैंने उसको कहा हाइपोथेसिस की अगर नहीं पता है कि गिव्स मी ही विल लूज हिज प्रोफेशन लाइसेंस एंड आई विल लूज माय जॉब, अगर हमें जुबानी मुसलमान और मैं बहुत चरणों की जुबान की बात कर रहा हूँ, हफ्ते की शाम हुई, जुम्मे की शाम हुई, हफ्ता छुट्टी है, इतवार छुट्टी है, किसी सेठ चुनाव चलानी को हम फोन किया, फिर दोस्त सेठ साहब आके मेरी तरह प्यार बैठे हैं, वो जी थोड़े ही याद आ रहे हैं, तीन बच्चे भरा सारे थोड़े ही याद कर रहे सर, बड़े दिन होने मुलाकात में चाली लाओ मैं पहले पार्ट में मेरे पुत्र सुनाया बार भी कुछ चल गया, वो शाम को अपने बच्चे सारे तो सेठ साहब भी कभी खाना है कुत्ते राज मारता है, बहुत सारा राज मार के करता है, अलहमदुल्ला और अल्लाह ताला पर इससे ज़्यादा मजाक क्या हो सकता है, अल्लाह ताला कहता है कि वो बैठे बोलो प्लीज, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तो आपको ये रिस्क दिया शेटवानी की बात करो इसका शुक्रिया अदा करो, तो रखा है तुमने, फिर कभी हमने शेटवानी को अपने गले से नहीं हुआ, उससे खाने खाना मैं किस किस्म का बहुत बड़ा हूँ, मैं किस किस्म का जिसका हाथ अल्लाह ताला ने उपयोग किया हुआ मैं कैसा इंसान माल मेरे पे माल स्थित गवर्नमेंट सर में उस जगह पर माल नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से। तीसरी बात इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी जेनी मेरे वाल साहब मेरी तरबीत किया करते थे कि जो दिल और दिमाग की सदाकतों से बात आप गरीब करें जुबान को बहुत अच्छी लाए, अगर जुबान से आप कमजोर है असर बड़ा पकड़ा है आगे सामने ये बदला दालू में आगे तो चुप कर जाए उसकी हाँ में हाँ मत बुलाए उसको शह मत दे, तो दो इंसान को सुबह का बहुत फर्क, प्राइम मिनिस्टर मुझे कहे ये काम कर दो मैं नहीं करना चाहता, तो अल्लाह से मदद मांगो, कैसे अल्लाह से मदद मांगो तो प्राइम मिनिस्टर को कर जाती है बात, लेकिन हम तो प्राइम मिनिस्टर को गलत काम करें तो हम तो मदद कर पड़ते हैं, क्योंकि होता तो यार पढ़ने का काम होता है मसला है, तो ये गौरव फिल्टर जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं और
कायनात के उबरा के सुरान और मुंह से आपको मुंह कराया उन्होंने कायनात के सुरान और इंसान है जिसको बेहतरीन तकनीक से अल्लाह ताला ने पैदा किया और फिर वही इंसान असल साफलीन की तरफ जाता है तो ये नहीं देखता कि मैं क्या कर रहा हूँ एक 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 लम्हा आपको सोच के गुजारना चाहिए हमें सोच के गुजारना चाहिए अगर हम सोच विचार गौर और फिक्र के साथ अपने अमाल का मुहासबा करते रहेंगे तो मैं एक छोटा सा वाक्य बता के आपको क्लोज करूँगा गुजरवाला में मैं यहाँ कलेक्टर था गुजरवाला के ताजरों को मैंने कहा कि आप टैक्स नहीं देते और पाकिस्तान गरीब है 1993 की बात पाकिस्तान गरीब है गरीब रिश्तेदार हमारी माँ है मेरे ईमान का रिश्ता आपसे ज़्यादा जिंदा है जिसके साथ जिस किसी ने इसके साथ जानबूझ के ज्यादती की है इंदिरा गांधी हो या मोदी हो उसने नुकसान उठाया है जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ किया उसी तरह उस टाइम के साथ हुआ ये पाकिस्तान है और यहाँ नबी पाक तशरीफ लाते हैं इस पाकिस्तान से प्यार में भी एक नहीं समझ मेरे ईमान का हिस्सा है इस पाकिस्तान के साथ हम सब को भाग करनी चाहिए मेरा ख्याल और गौरव खास करके इसके साथ साथ मैंने दूसरे वाले को कहा था सेंटेक्स मैंने लगा था बैठ से 10% देते ऐसे गेस्ट को इनका उन सब ने उनका उनका भला हो उन सब ने कहा आप सही करना है लेकिन अगर हम पूरा दे दें पूरा देने के लिए क्या अगर पूरा दे दें किसी 10 साल का निकाल लेंगे हम पूरा दे भाई मैं हूँ मुसलमान मैंने दिल में सोचा हम दिल करोड़ जुर्म करते हैं करोड़ गुनाह करते हैं शाम को अल्लाह माफी दे दे शायद है गलतम कर बैठे तो माफ कर देंगे ये लोग जो हैं मतलब ये अगला कदम सीधा रखना चाहें उसने हम क्यों नहीं माफ कर सकते मैंने सारी जिंदगी ये उसूल अपनाया है अपनी सारी से जिसने अगला कदम सीधा सीधे का मतलब सीधा अगर $16 की चीज़ है तो $16 ही उसने डिक्लेयर किया है कि कराची में ऐसा वाक्य वो वाक्य $16 की चीज 90 सेंट में डिक्लेयर होती है हमारे अप्रेजर मेल मिला के उसको अप्रूव करा रहे हैं $1.07 एक केमिकल आता था $50 पर के जी उसको हमारे बिजनेस में मुसलमान वो 50 सेंट डिक्लेयर करते वो अगर इस तरह करते हो फिर आप अलहाज करें अपने आप खैराती करें अपने आप मुसलमान करें अपने आप तो आपके अपनी डेक्लेशन पर उधर जो लगा होना है कंप्यूटर है बड़ा ज़बरदस्त उस कंप्यूटर में भरे जा रहे हैं कौन योद्धा मान ले कौन वो मशीन है जो अमल है अपना अमल ये भी मैं आपको बताते चलूँ मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ हमारी तैयारी है अगले दौरे में अमल वो चीज़ है जो इंसान का पाप नहीं हो सकता उसमें पता होता है नीयत एक ऐसी चीज़ है जो पाप हो सकती है इस पर ऐसा नहीं कोई इस पर कतन कोई खर्चा नहीं आता लोग तो खर्चे से करते हैं कि अब कोई ऐसा काम नहीं करें जिस पर खर्चा आप नीयत करें मैंने भी एक माने नहीं है CBR के कमरे में मेरी ट्रांसफर हुई हर साल मुझे ऑफर होती थी जाना है सबसे सबसे ज़्यादा कमेड पोस्ट कराची में थे मुझे हर साल ऑफर होती मैंने 5 साल वहाँ काम किया हार्ड जॉब था मैंने धीरे मेरा फलसफा था कि ज़्यादा दे रहना चाहिए तो उसको समझ आए 2-3 साल में समझ आए समझने लग गया थे 2-3 साल अगले मैंने 5 साल पर अपने लिए रखा था तो कोई मेरी जगह पे आने के तैयार नहीं था तो मैंने आराम से 5 साल दिया जब मैं 5 साल बाद 5वीं दफ़ा मुझे कहा गया जाना है हर साल मुझे ऑफर होती कराची अप्रेजमेंट और मैं बड़े माई के अलावा कम होंगे तो जिनको अप्रेजमेंट ऑफर हो कराची की और वो जूते भी पहने नगे CBR में आपने 5 साल बगैर मुझे फख्र है इस वक्त मैं शुक्र करता फख्र करना चाहिए शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात पाक का कि मुझे एक मौला मौका सियालकोट में मिला मैंने यहाँ रिश्वत फ्री से रिबेट का निज़ाम नाफज किया
इस पर पैसा रिश्वत नहीं जाता, बेशक। और ये भी नहीं होता था कि लोगों को तरसाया जाए कि फेरे मार मार के। मैंने एक मिशन दिया इनको, मैंने कहा कि आप चौथा फैक्टर प्रोडक्शन का ऐड कर लें अपनी डिक्शनरी में। लैंड लेबर कैपिटल लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ आप की एंटरप्रेन्योरशिप जो है एस एम ई सेक्टर में, वो चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आप फैक्ट्रियों में रहें, मैं आपका एम्प्लॉई हूँ बगैर कॉस्ट के। मेरे घर में ना आप बाल आएंगे, ना आप रब्बा लाएंगे, ना। और मुझे ये भी फख्र हासिल है कि मैंने 16 साल में 4 रब्बा यहाँ पर आए। मेरे घर में सोए मेरा एक क्लास फैलो था, उसने टेनिस बॉल फालतू पड़े थे बहुत सारे, नहीं स्पोर्ट कर सका मैं 4-5 मैंने, मुझे फख्र हासिल है। मैं सियालकोट के किसी बंदे की फैक्ट्री से, तो मैं बच्चों को ये कहता था मार्केट बड़ी है मेरी तनख्वाह से जाकर खरीदो, थोड़ी है ज़्यादा है बरकत एक चीज़ है। मैं आपको ये फाइनल ये बताऊँगा कि बरकत क्या चीज़ है। उसी तनख्वाह में जो गुजार नजर नहीं आती वो गुजार चलती है, बरकत की अल्लाह ताला की ये बरकत की कहानी मैं आपको सुना करता हूँ। मैंने जब गुजरा वालों को भरा टैक्स खुला दिया, मैं आपको कुछ ना ये पूछा और साथ रास्ता भी बताया कि लिख देना कि टैक्स दे देना। पिछले 4 महीने जब से मैं सेलेक्ट हुआ है, मैं महीने आया था, मैंने कहा यकीन बनाई से नया साल शुरू होता है, 5 महीने का पे कर। मुझे लिख रहे थे हमने खुद अकाउंट्स चेक किए हैं अपने, तो हमारे अकाउंट से गलती हुई है। पे 3 पैटर्न नजर आए, 30,000, 35,000, 50,000 ये पे कर। आप उन्होंने कहा 3,30,000 वाले ने 3,00,000 परमानेंट कर दिया और 5 महीने का पे करके मुझे फैक्स कर दिया 35 में 3,50,000 ये 5,000। मैंने चुप रहा, कानून के मुताबिक वो इस तरह नहीं हो सकता। मैंने उसको सारी फैक्स मैंने खुद ही कहा था कि इस तरह कर ले तो हम अल्लाह ताला के सहारे पर अल्लाह पाक पर्दा रखेगा। ऑडिट वाले भी हमें पूछ सकते थे, इंटेलिजेंस वाले भी पूछ सकते थे, एफ आई पूछ सकते थे, देना किस हिसाब से दिन का 10 साल का है, आप एक ही साल तक 5 महीने का लेकर अल्लाह पाक ने मेरी आज तक क्षमता दी। वो किसी को वो भूल कैसा है जो मेरे जुबान से निकली बात कि हम नहीं पूछेंगे वो अल्लाह ताला ने उसको मेहरबानी कर। और फिर लोगों ने बारिश कर दी, उस टैक्सेस की और हमारा रेवेन्यू संभाला नहीं जाता। उसमें हमें खतरा था, मेरे इसी गुजरात को खतरा था, गुजरात में उसी को वो हाईकोर्ट का एडवोकेट है, चले वो मुझे कहने लगा सर बाकी सारे ये पे करेंगे, ये बंदा पे नहीं करेगा एडवोकेट। मैंने कहा करेगा तो क्या, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है वो ना देने वालों का नौकर, मेरी मेरा फलसफा था कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है नौकर है 6 टैक्सपेयर का 6 सिटीजन का, लेकिन वो हाकम है जो फिर गलत उसका। मैंने कहा नहीं देगा तो कहते ये बार मेरा अगर वापस नहीं था, एक ही दफ़ा उसी मीटिंग में मुलाकात हुई वापस किया, सबसे पहले टैक्सेस किया है मुझे आज तक याद रखता है 30,000 रुपये का वो देता था, 3,50,000 करके 5 महीने का पे करके मुझे उसमें मैं हमको ये ऑर्डर किया है हमारे गवर्नमेंट से कि टैक्स लेता है 3,50,000 में हमने लेकर इसको एक्सेप्ट कर लिया। बात हो गई खत्म हो गई, 10 साल गुजर गया, 15 साल गुजर गया। अगले दिन मैं जा रहा था कराची, गांधी श्याम चीमा साहब ने गाड़ी रख दी, मैंने भी गाड़ी रख दी, तो मैं बाथरूम की तरफ जा रहा था कि पीछे से किसी ने मुझे पकड़ लिया, इस तरह उनका पहले मुझे आपने पहचाना नहीं होगा, मैंने कहा मैं ठीक करना था, मेरा नाम राजीव चीमा है। मैंने कहा आपका नाम तो मेरे दिल पर रखा हुआ है, तो मेरे दिल से दुआ निकलती है कि आपने अच्छा काम किया। उसी को डायर उसने मुझे ये बात कही, उसने कहा यासीन हम आपको दुआ देते हैं, जिस दिन से हमने टैक्स पूरा देना शुरू किया हमसे काम संभलता नहीं है, हमारी फैक्ट्री इतनी बढ़ गई है, हमारी बरकताई काम। और जब तक टैक्स पूरा नहीं दो 35,000 देते थे बचाते थे टैक्स, उस तक हमें भूखे मरते थे, बिजनेस आता नहीं था। और हम इतवार को कभी कभी बैठ गए तो भाई दुआ आपके लिए करते हैं कि आप हमें सीधे रास्ते में ला गए और हमसे ये बरकत, ये बरकत जो है ये गैर मरई है, इसको एक्स्ट्रा सेंसरी समथिंग नज़र नहीं आती, बरकत है। और ये बरकत अमाल की वजह से, कौन से अमाल, ये दो जो हैं, ये दो यहाँ बैठे हैं ये अल्लाह ताला के नुमाइंदे हैं
और हम जिंदगी की मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं। आपने मोटरवे पर सफ़र किया है, तो अगर आप उनके कवानीन की खिलाफ वर्जी न करें तो आपकी गाड़ी को कोई मसला आता है, आप छाँव कर देते हैं पुलिस वाले, मोटरवे पुलिस बड़ी मदद करते हैं। यही काम मिलता है, उसूल ना तोड़े बड़े असूल, तो ये आपके मददगार हैं, बड़ी बदतर कह रहे हैं। अगर आप ट्रैफिक की जिंदगी की मोटरवे पर ट्रैफिक के असूलों की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर यही दो मोटरवे पुलिस वाले हमारा चलान करेंगे और हमें समझ नहीं आएगी हमारे साथ हुआ क्या है। तो अपने आप को ये दो पुलिस वाले जो हैं जिंदगी की मोटरवे पर सफ़र करते हुए अपना गौरव फिक्र कहा गया, ये अपने कमर खान असबा करते चले जाए। और मैार मैं आपको दे देता हूँ कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, सभी से बात है माँ हाथ उसी कर देगा। हिंदुस्तान सर्वे दो खान से पूछा गया कि गुनाह क्या है, आपने यूनिवर्सल सारे जैसे एक असूल बना दिया जो आपके दिल में खटके। आप दिल की बात कर रहे थे, हमारा इस्लाम का लंबा दिल है, जो दिल में खटके वो ठीक नहीं है, उसको करेक्ट करें। और फाइनली एक गस्से का बुला है, वो मुझे समझ आई है मैं गलत हूँ, तो बड़ों के बारे में गुस्ताखी हो गया है। मैं मुझे ये समझ आई है वाकया करबला से, इमाम पाक असबल उस उसूल को जिसने कत्ल किया मुझे नहीं दिखाया। जिंदगी की मोटरवे पर चलते हुए अगर आप उसूल को तोड़ेंगे, मैं अपने बात में अपने लिए बात करूँ तो मैं यजीदी, ये उसूल क्या है, एक जर्रे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चलते हैं तो वो अपने जाब्ते के तहत चलते हैं। उस जाब्ते को जब साइंसदान तोड़ते हैं तो उसमें इतनी हीट पैदा होती है कि चांदी का पहाड़ आपका बगुला बन गया। यह करबला, करबला वही करबला है ही, वो चांदी का पहाड़ कि जब आप उसूल को तोड़ेंगे तो वो चांदी के पहाड़ की तरह और करबला की तरह करबला बनेगा। यानी अगर आपने उसूल तोड़ा और जाब्ते को तोड़ा, आपने गोया हुसैन को कत्ल किया, गोया उसूल को कत्ल किया, गोया करबला बना। क्या हम जो शहीदों के वारिस हैं, हम इमाम पाक के मतवाले हैं, क्या हम ऐसी बात करना चाहेंगे जिससे करबला बर्बाद हो? जब गौरव फिक्र की बात आती है, अपनी तो पंजाबी में एक बात आती है, अपनी मंडी जिले जिला राम गुरू को अपनी अपनी मंडी जिले राम कहते रहो, क्लीन करते रहो, अपना पोर्टफोलियो क्लीन करते रहो, क्लीन करते जाने ताकि कल को जब गौतम मालवा भगवान शिव में आए तो पूरा गोला लिखा हो और नबी क्लीन सुनता हुआ हमें कहेंगे तो मेरा है और फिर आपके लिए दोबारा। शायद इमरान शाह साहब केमिस्ट्री टीचिंग की तशबा है। सवाल ये है कि क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़रिए में इंसान का कोई वजूद था? बरकरम इंसान की पैदाइश के हवाले से कुछ बयान करें। आपके इस सवाल के दो हिस्से, पहला हिस्सा ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़रिए में कोई इंसान नहीं था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले ज़रिए में हासिल हुए। और हदीस से जो हमें कुछ तफसील मिलती है वो इस तरह कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद 70 सवा यानी 70 गज था, 210 फुट। और जब इंसान दोबारा पैदा होगा तो दोबारा उसका कद इतना ही होगा, 210 गज हर इंसान का नॉर्मल कद होगा। बाकी आपकी
तौबा कबूल हुई मैदान अफराफ में, वो भी आदिश से साबित है। जद्दा दादी को कहते हैं, यमुना को कहते हैं, और बहुत बड़ा एक मज़ार भी है, बहुत लंबा चौड़ा, कहते हैं हज़रत हवा अलैहिस्सलाम का है। जहाँ तक के इंसान की पैदाइश का तल्लुक है, तो अहदीस की तफसील से ही पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हज़रत हवा पैदा हुई थी। दूसरा सवाल जो है वो अब्दुल वहाब साहब ने किया है कि जब आप पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं, खुशी पढ़ते हैं, तो तब फलाँ इब्ने फलाँ, यानी तब भी माँ के नाम से बताया जाता है कि उनकी ने दुरूद भेजा है, और क़यामत तक क़यामत वाले दिन माँ के नाम से औलाद को पुकारा जाएगा, वज़ाहत बयान करें। गलत आप ये कहना चाहते हैं कि जब दुरूद पढ़ा जाता है तो फरिश्ते जब पहुँचाते हैं तो ये फरमाते हैं फरिश्ते कि भी फलाँ शख्स जो फलाँ का बेटा है उसने ये दुरूद भेजा, जबकि क़यामत के दिन माँ के नाम से पुकारा जाएगा। क़यामत के दिन माँ के नाम से इसलिए पुकारा जाएगा कि तमाम इंसानियत के सामने, तमाम फरिश्तों के सामने, अल्लाह ताला के सामने उसकी पर्दापोशी की जाएगी, इसलिए उसके माँ के नाम से पुकारा जाएगा। लेकिन जहाँ तक के बाप का तल्लुक है, यानी हदीस में जाते हैं जो फलाँ इब्ने फलाँ के फलाँ का बेटा जो है, वो चीज़ें बाप आखिर कोई है, चाहे गलत बाप है या गलत जना है या जो भी है, आखिर कोई उसका बाप है। लेकिन इस जमन में मैं यह अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि उनको कैसे तौफीक हो सकती है यूरोप में, स्कैंडिनेविया में, जब उन्होंने इस्लाम ही कबूल नहीं किया और वो दुरूद पाक भेजे और फिर उनके बाप के उस नाम से पहुँचे। हाँ, अगर वो मुसलमान हो जाते हैं तो फिर बाप के नाम से दुरूद पाक पहुँचेगा। अगला सवाल है अब्दुल वहाब साहब का, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो वक्त थम गया, या कि सफर की स्पीड इस कदर ज़्यादा थी कि वक्त थमा हुआ महसूस हुआ, बिस्तर गर्म था, वज़ू का पानी दरवाजे की कुंडी गर्म, कि रवायात दुरुस्त है या नहीं, कि आपकी न्यूटन क्या आज की न्यूटन की थ्योरी वाकई मेराज से मुसलत रखती है, वजाहत फरमाएं। इसमें गुजारिश ये है कि न्यूटन ने यह तसव्वुर दिया था कि एक ख़ास हद पर जाके तो वक्त की रफ्तार थम जाती है, बरकैफियत बाद उलमा ने इसको कोरिलेट करने की कोशिश की है वाकई मेराज को न्यूटन की थ्योरी के साथ। लेकिन गुजारिश ये है कि जो ब्लैक जानवर था, यानी बर्फ की तरह, बिजली की तरह तेज़ रफ्तार, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला से मुलाकात हुई और वो बहुत करीब तरीन वक्त में, यानी चंद लम्हात में। अगर आप रूह में देख लें तो आप फायदा पढ़ते हैं, रूह फैलने अल्लाह में होती है, लेकिन उसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर वो लीहीन की रूह है, नेक आदमी की रूह है, उसी वक्त वो आलम अहवा से आ जाती है। इसका मतलब कि रूह कितनी स्पीड है कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शुरू किया और आलम अहवा से वहाँ पहुँचे। इसी तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के जरिए से पहुँचे हैं, तो कोई ये अजीब बात नहीं, और वो थेरीज को साइंस की थेरीज के साथ साबित करना हर कैफी है, टेक्निकल मामला है। बस्ता मियाँ वासिफ ताला साहब, इनका शोबा कारोबार है, आदम किसे कहते हैं, ये सवाल है। हमारे यहाँ सिर्फ मदरसों में 6 या 8 साल लगाने वालों को कहते हैं, क्या ये दुरुस्त है? दूसरा सवाल है कि गुरीला और आलस से पैदा से बच्चा पैदा हो सकता है, इसका जो प्रैक्टिकल सबूत है? तो जहाँ तक के लिए आलम का तल्लुक है, तो आलम से मुराद तो लिखा हुआ शख्स है जो कुरान और हकीम और हदीस की तालीम को जाने, लेकिन कुरान हकीम जो है उसमें फसाहत है, बलागत है, और अरबी ज़बान में भी बलागत है। तलवार के लिए अरबी में 5000 अल्फाज हैं, ऊँट के लिए अरबी में 2000 अल्फाज हैं, तो लिहाजा जितने भी साइंटिस्ट के लिए अरब टीचिंग्स हैं उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं साइंटिस्ट के लिए वो लफ्ज आलिम इस्तेमाल, लेकिन वो भी आलिम है जो 6-7-8 साल लगा के काफ़ी तालीम हासिल करते हैं, उनके आलिम होने में कोई शक नहीं, लेकिन साइंटिस्ट जो हैं वो भी उलमा में से हैं। यानी अगर उनका अकीदा सही नहीं तो फिर जाहिर है कि उनके अमाल इसी दुनिया में उनको पैदा
بچے گا کہ اگر ان کے آلات ہمارے اگر صحیح ہیں یعنی مسلمان ہیں تو ان کا اپنا درجہ ہے جہاں تک کہ عورت اور گوریلا کا تعلق ہے تو میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ڈاکٹر پروفیسر قاضی صاحب سے یا پور قاضی صاحب سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے ہومونیٹ کا لفظ استعمال کیا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو میڈیکل کتابوں میں اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے بچے جو پیدا ہوئے ہیں تو تبھی انہوں نے میڈیکل کی اصطلاح استعمال کی اور کتابوں میں اس کا ذکر کیا لہٰذا یہ ممکن ہے تبھی انہوں نے اس کی تائید کی ہے پھر ڈاکٹر عمران نیازی بھٹ صاحب شعبہ ڈی ایچ ایم ایس ڈاکٹر عمران نیازی صاحب بٹ میں تھوڑا یہاں پہ پریشان بھی ہوا کیونکہ نیازی کا باپ نیازی ہوتا ہے پھر اس کا باپ نیازی ہوتا ہے پھر اس کا باپ نیازی ہوتا ہے لہٰذا میں معذرت کے ساتھ ایک عرض کروں گا حدیث پاک کی روشنی میں کہ حدیث پاک میں جو اپنی نسبت کسی کے باپ کے ساتھ وہ کرے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا اور اس کے بارے میں بڑی وعید آئی ہے مثلا اگر میں بٹ ہوں یا میں اگر آرائی ہوں تو میں کہوں کہ جی میں وڑیچ ہوں یا میں ملک ہوں یا میں فلاں ہوں اپنے جد کو اگر میں تبدیل کر دوں تو وہ بھی شرعی طور پر جائز ہے تو بٹ صاحب کیا سوال یہ ہے قرآن میں یہ ہے کہ دل تفکر کرتا ہے سائنس کہتی ہے دماغ یہ سائنس کہتی ہے دماغ اس کی وضاحت کرے اس بارے میں یہ عرض ہے کہ جتنا بھی اسلام کا لٹریچر ہے حدیث پاک اور قرآن کا استعمال ہوئے قرآن پاک میں تو اس میں دل کہ ماں کرے تو فی نفس کا فی نفس کا جیسے حدیث کا حوالہ بھی دیا یاسین طالب صاحب نے کہ جو تیرے دل میں کہ یہ نہیں فرمایا گیا جو تیرے دماغ میں ٹوٹ گئے اس لحاظ سے شریعت یہ فرماتی ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ کنٹرولنگ آرگن ہے برین کنٹرولنگ آرگن نہیں لیکن میڈیکل بالکل مختلف ہے میں تو صرف اس کی اتنی وضاحت کر سکوں گا اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ جہاں تک کہ روح کا تعلق ہے قرآن پاک فرماتا ہے کہ اس کے بارے میں بڑا کنید اور کم علم انسان کو دیا گیا ہے سورج پیر نے آپ کا دوسرا سوال یہ ہے ڈاکٹر عمران بٹ صاحب کا عمران نیازی بٹ صاحب کا کہ سورج پیر میں ہے کہ چھوٹے چھوٹے کنکروں نے ابراہ کے لشکر کو کھائے ہوئے گھسے کی مانت کر دیا کیا سائنس خصوصی ایرونیٹیکل فزکس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ خاص بلندی سے پھینکا گیا پتھر کس طاقتور کس طاقت سے زمین سے ٹکراتا ہے اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ شاب ثاقب کے ٹکڑے یہاں بھی زمین پر گئے اس شاب ثاقب کے لیے شوٹنگ اسٹار یا اسٹروائڈ جو ہیں ان کے کچھ ٹکڑے کنٹری اسٹڈی ٹور پر کوئٹہ گئے تھے تو وہاں کوئٹہ کے میوزیم میں بھی محفوظ ہیں لیکن کئی تصویریں بھی موجود ہیں اسٹانوی سے متعلقہ کہ جب بھی کوئی شاب ثاقب گرے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں تو کئی گز نیچے تک اس کے گڑے بھی قائم ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑی فورس کے ساتھ گرتے ہیں اور ایک شاب ثاقب جو ہے وہ 2.5 کروڑ کلو میٹر کی اسپیڈ سے سفر طے کرتا ہے تو یقیناً ابراہیم کی سال پر جو اللہ تعالیٰ نے کنکر برسائے تھے یقیناً ان میں اس میں ایک حدیث بھی ہے اس میں ایک تفسیر بھی ہے عبدالقادر اعظم شہید کی فی ضلال القرآن اس میں وہ کہتے ہیں کہ راجب اس میں جو وائرس تھا کہ جس کی وجہ سے وہ بالکل تنا ہو گیا یعنی بالکل ایک ایٹم کی طرح تھا وہ جو کر گیا تھا تاکہ مختلف توضیحات اگلا سوال جو ہے وہ نئی منور قریشی صاحب کا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا عرش اور مسکن ملائکہ اس کائنات کے باہر ہے یا اندر اور ملائکہ کا زمین پر اترنا کس مقام سے ہے بڑا مشکل اور ٹیکنیکل سوال ہے لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا تعلق ہے تو سورۃ نجم کو اگر ہم پڑھیں تو سورۃ المنتہا کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو کعبہ قوسین یہ دو تیر کمان جو ہیں ان کا فاصلہ تھا یعنی چند فٹ کا فاصلہ تھا دو تیر کمان چار پانچ فٹ کا فاصلہ بہت مشکل بنتا ہے اور سورۃ المنتہا جو تھا وہ ایک آخری بیری تھی اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کرنا ہوگی یا سنت میرے پاس جلتے میں آگے نہیں جا سکتا
اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جہاں کائنات ختم ہوتی ہے اس کے بعد جو کوئی نورانی خورا ہے یا کوئی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہے اور جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے. لیکن مختلف ٹیکنیکل نام ہیں, یہ سات آسمان ہیں اور اسی کے اندر جو ہے وہ فرشتے رہتے ہیں, اور وہ کہاں سے داخل ہوتے ہیں اور کہاں سے نکلتے ہیں اس میں ایک حدیث عرض کروں گا. وہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں درج کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ زمین اور آسمان بنائے تو ہر آسمان پر اللہ تعالیٰ کا ایک حاضر یعنی ایک چوکیدار اور نگہبان فرشتہ موجود ہوتا ہے کہ جب انسان کے اعمال اوپر فرشت لے کر جاتے ہیں تو وہ ان کو روک لیتا ہے پہلے آسمان والا, اور کہتا ہے کہ اس کے منہ پر دے مارو, یہ دنیا کی ریاکاری کے لیے کہ لوگ کہے کہ یہ بڑا مالدار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, تو یہ اس کی نیت تھی, خالص نیت نہیں تھی, تو یہ اس کے منہ پر دے مارو. پھر دوسرے آسمان پر غیبت کا فرشتہ ہے, پھر جھوٹ کا فرشتہ ہے, عجب کا فرشتہ ہے, یہ سات حاضر فرشتہ ہے. تو وہاں سے کوئی خاص مقام ہے جہاں سے یہ انٹر ہوتے ہیں فرشتے, اور وہ حاضر وہاں موجود ہوتا ہے. یعنی ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ سے وہ فرشتے داخل نہیں ہو سکتے بلکہ وہ ایک خاص مقام سے داخل ہوتے ہیں جہاں خازن یعنی نگہبان فرشتہ موجود ہوتا ہے. اور اسی طرح سورۃ الرحمن میں بھی ایک جگہ ہے کہ جب شیطان اوپر جاتا ہے تو پھر اس پر شاد ساکت برسائے جاتے ہیں, اور وہ کائنات کے ان پورشن اور ان حصوں میں سے وہ داخل نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح تنزل ملائکہ تو بروح ہوتی ہے, سورۃ قدر میں ہے کہ شب قدر کو فرشتے نازل ہوتے ہیں زمین پر, یعنی وہ فرشتے جو ہیں وہ ایک خاص مقام ہے کائنات کا جہاں وہ ہیں, اور ان کا کس مقام سے اترنا ثابت ہوتا ہے اترنے کا تو کہیں ذکر نہیں آتا, لیکن یہ ہے کہ وہ اترتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اوپر جانے کے لیے ایک جگہ ہے, اگر جانے کے لیے کوئی جگہ ہے خاصل فرشتہ تو یقیناً وہی روپ ہوگا, لیکن اس کے بارے میں اتنی زیادہ وضاحت کے لیے کچھ ریسرچ کی ضرورت ہے. یہ تمام سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کوئی تقریر نہیں بنائی ہوئی, نہ ہی میں اس کی تیاری بتا رہی ہے کہ آصف کار صاحب سے کیا ہے. میں نے ان کے ساتھ بڑا قریب وقت گزارا ہے, کچھ باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. باقی آج کے جو مقرر تھے صفائی میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہمیں جو زندگی کی مایوسی ہے جو خاص طور پہ جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ظاہری طور پر رکھیے, اس میں جو انہوں نے ہمیں جو واقعات اور جو اسلام کی جو ترقی بتائی ہے اور جو فلسفہ بتایا ہے اس سے ایک حوصلہ ملتا ہے, اور اس حوصلے کے تحت ہی ہم اگر چاہیں تو آج بھی اپنے آپ کو صحیح کر سکتے ہیں. بہرحال میں یاسین طاہر صاحب کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے انہوں نے کچھ الہامی باتیں تھی اور انہوں نے اپنے واقعات سنائے, میں یاسین طاہر صاحب کی بھی الہامی باتیں کچھ بتاتا ہوں اور کچھ مہمان کی بات کری ایک دو بس منٹ دوں گا. یاسر خان صاحب نے جو بتایا ہے کہ واقعی وہ یہاں پہ جو انہوں نے نظام بنایا تھا کسٹم کا انتہائی ایماندارانہ تھا, لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی بات ہے کہ ایماندار کئی دفعہ ہمارے آفیسر جو ہیں وہ بہت بڑے کاموں کے رکاوٹ بھی بنتے ہیں. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال کرتا ہوں. یاسر خان صاحب نے بندے سے بات کی, نام نہیں میں کسی کا لوں گا, اس نے یہاں پہ کام کرنا تھا لیکن وہ کام کچھ ایسا تھا کہ جس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل جو ہے وہ مشکلات تھیں کسٹم کے لحاظ سے, لیکن انہوں نے کہا آپ تھوڑی کام یہاں کریں کوئی فرق نہیں پڑتا, میں ان چیزوں کو دیکھ لوں گا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اس آدمی نے جب وہ چیزیں رپورٹ کی وہ یہاں پہ آئی, بہت بڑا کام تھا وہ,
और वो सारी दुनिया में एक नया काम था। लेकिन जुमीन के बाद जो आए वो बहुत बड़े ईमानदार थे, वो भी माशाल्लाह, उन्होंने कहा कि नामुमकिन है, ये नहीं हो। और वो बंदा ये काम लेके दुबई चला गया और दुबई में उसका बहुत बड़ा काम है और वहीं पे वो रह रहे हैं। यहाँ भी थोड़ा बहुत काम है लेकिन वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। छोटी सी मिसाल, एक मिसाल जो मिला है, डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके सामने है कि यहाँ पे इतनी जेड बना है और वो सियालकोट की एक बहुत बड़ी बात है कि सियालकोट में इतनी जेड बना, कराची के बाद सियालकोट में बना, लेकिन वो नाकाम है। मैं समझता हूँ उसकी नाकामी की वजह यासिर ताहिर साहब का जैसा यहाँ पे हमें कोई बंदा नहीं है जो इसको कामयाब करने के लिए हमें हौसला अफजाई करता और हमें रहनुमाई करता। बाकी मैं बता दूँ एक जो बात और इनके मुतलक, यासिर ताहिर साहब का सियालकोट में बहुत बड़ा एहसान है, हम इनके एहसान मंद हैं लेकिन हम इनका शुक्रिया भी अदा कर सकते। सियालकोट के मुतलक जो हमारी सलाहियतें हैं वो सारे पाकिस्तान से बाहर हैं और अल्लाह के फजल से ये बात हर कोई जानता है, मगर इन सलाहियतों को किसने पहचाना, ये मैं समझता हूँ कि यासिर ताहिर साहब सरकारी नौकर होने के बावजूद उन्होंने ऐसे हमें रहनुमाई दी कि हमने वो जो काम किए हैं आज वो सियालकोट का नाम सारी दुनिया में मशहूर है। इन्होंने एक किताब लिखी हुई है सियालकोट के मुतलक, सियालकोट की तरक्की के मुतलक, वो चैम्बर में मौजूद है, अगर आप उसको पढ़ लें तो आप इनकी अलहामियत पे यकीन रखें। इन्होंने सियालकोट की ड्राई फ्रूट के मुतलक पहला ख्वाब इन्होंने दिया था और वो बना, एयरपोर्ट का ख्वाब इन्होंने दिया था और ये बना। मैं सिर्फ एक वाकया बयान करता हूँ, ये जब सियालकोट में नवाज शरीफ की एक हुकूमत थी, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं माफी के साथ आता हूँ, लेकिन वो वाकया है जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ। जब प्रेसिडेंट था तो नवाज शरीफ ने सियालकोट आना था, उस वक्त की हुकूमत के लिहाज से यकीन करें कि मुझे फैसला इतना इतमाद और इतार था कि मैं सीधा इनके पास ले गया इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में थे। मैंने कहा यासिर ताहिर साहब मुझे रहनुमाई करें कि मैं या जो ये आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, इनके साथ क्या करूँ, क्या करूँ। इन्होंने जो मुझे गुर दिया और वो भी कामयाबी की पहली सीढ़ी थी। इन्होंने कहा हरीफ खान सिर्फ एक नुकता एक मुतालबा करें और वो मुतालबा यही होगा कि आप एयरपोर्ट के लिए हमें ज़मीन के पैसे दें। मैंने उसी पे अमल किया और अपनी तकरीर का पूरा हफ्ता उसमें किया और उसका नतीजा ये हुआ कि वो नवाज शरीफ 23 करोड़ रुपया पहला पत्थर जो था वो एयरपोर्ट के लिए वो हमें दे के लिए। बाद के हालात में जो है वो आपको पता ही है कि वो हमारे खिलाफ आ गया, उसमें डॉक्टर साहब का बड़ा बहुत बड़ा हाथ है, हमारे दूसरे साथी जो है वो ख्वाजा खावर साहब और उसके बाद जो आने वाले मियाँ रियाज साहब, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, तो उसके बाद ये एयरपोर्ट एक कामयाब हुआ। लेकिन इसकी पहचान के कैसे ये बनना है, ये कैसे होना है, इसका ख्वाब हमें यासिर ताहिर साहब ने, हम इनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन इनका एक ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हो रहा कि यहाँ पर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उसकी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब इसमें बड़े पेशकश है, हमारे आपको इशारा भी है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जो आपकी दुआएं हैं अगर हमारे साथ साथ रही तो हम इसमें भी काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है तो मेरी इतनी खास ज़रूरत भी नहीं थी, रिक्वेस्ट करके मैंने 2 मिनट दिए हैं
इसलिए कि ये जो आज हमारे पास छुट्टियाँ आई हैं ये अल्लाह की एक बेहतरीन ब्लेसिंग है। प्रोफेसर जब्बार साहब का उन्होंने जिक्र किया, ये अदारा उन्होंने ये शुरू किया, बड़ी मुश्किल में थे लेकिन अल्लाह ने इसको अब कामयाबी की मंजिल की तरफ ले गए। और मैं आज चूँकि इनका जिक्र नहीं हुआ असल विकास का, इनका फोरम का अक्सर लोग इनका ज़्यादा करते हैं क्योंकि एक्चुअली इस अदारे में ये सीरत का काम और इकबाल का काम, उसमें ये एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करते हैं। और मैं इनका एहसानमंद हूँ इसलिए कि ये इन्होंने कुछ मेरी राय से मुतफिक होते हुए इसको इमाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी बुनियाद बनाया। इससे क्या हो रहा है कि जो असल बात यासिन साहब ने कही है तरबियत करेक्टर बिल्डिंग, वो हमने बाहर बोर्ड भी लगवा दिया है सेंटर ऑफ करेक्टर बिल्डिंग लीडरशिप। हम सिर्फ वाद और नसीहत से इंशाल्लाह आगे निकलते हुए करेक्टर बिल्डिंग के लिए इस अदारे को आगे लेके जाएंगे क्योंकि सच्चाई के बगैर किरदार नहीं बनता। ये नबूवत का सिक्का था, फिर आपने जो इरशाद फरमाया उसमें रिज़्क़ हलाल, क्या मैं ना आता रिज़्क़ हलाल मेरे नज़रिए में एक पहला गुण है, जो जो इंसान इसको अपनाएगा अगर वो वली ना बने तो मेरा गिरेबान आगे बढ़ेगा। ये आपने आज अच्छा लेसन दिया। हम लोग यहाँ फिंकर फोरम के वास्तव से कैसे कैसे लोग बुला रहे हैं ये इनको अल्लाह जुला दे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे लिए एक मशहूरा। मैं यही दुआ भी करूँगा कि अल्लाह इस अदारे का असल मकसद जो कि करेक्टर बिल्डिंग है, तरबियत है, उसकी तरफ हमें कामयाबी प्राप्त हुआ। इसके साथ ही हम सब दोस्तों का खास तौर पर हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह इनको अपने ईमान में रखे और हमारी हदायत पर भी उनको मुद्दे रहे। आप सब भाई से भी दरख्वास्त है कि इस अदारे को आप सही मायने में इसको एक रसूल पाक की खुशबू और रहनुमाई बनाते हुए आगे ले चलें, यही हमारा हल है, वरना और दुनिया में कोई हल नहीं, यही एक हल था है और रहेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद। इसके बाद नीचे नमाज की होगी माध्यम